लाइव कर दिया के? लाइव कर दिया? कमेंट तो दिया यार। नमस्ते प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सभी मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई संदीप सवाच पे आप सभी विद्यार्थी जो है वो सेशन को एक बार फटाफट से क्या कर दें शेयर कर दीजिए भाई जल्दी से सारे के सारे बच्चे गुड आफ्टरनून भाई गुड आफ्टरनून अंकित यादव राम राम मोनू नमस्ते 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 सभी बच्चों को नमस्ते फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से और कोमल नखवाल राम राम भाई राम राम तो सारे विद्यार्थी अभी मेरी मैराथन क्लास ही चल रही थी लगभग छः घंटे मैं कंटिन्यू पढ़ा करके आपके समक्ष आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए जिन से नमस्कार भाई नमस्ते नमस्ते एक बार सारे विद्यार्थी जो हैं वो सेशन को शेयर करें हंड्रेड के आसपास बच्चे जो है इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने चाहिए पढ़ने में मज़ा आएगा फटाफट से आपका वेट कर रहे थे सर हम तो हम आ गए हैं वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी आपके समक्ष पहुंच गए हैं हम और अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चनों को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे बेटा सभी प्रश्नों को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, जल्दी से। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न रहने वाला है आपका वो क्या है देखिए प्यारे बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है एल्कोहल जल और एल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है यहाँ पे पृथक करने की विधि पूछी गई है अलग करने की विधि पृथक का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना सेपरेशन करना तो यहाँ पे सेपरेट विधि पूछी गई है गुड सभी बच्चों को good evening. तो तो प्रश्न क्या कह रहा है? है और जो वो किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है फिल्ट्रेशन डिस्पोजल या आसवन. तो बहुत ही आसान सा उत्तर और आपका ऑप्शन क्या रहेगा डी ऑप्शन रहेगा बेटा आसवन विधि के द्वारा डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा एल नवाज से नमस्ते डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा एल्कोहल और वाटर को क्या किया जा सकता है बेटा बेटा अलग किया जा सकता है एल्कोहल और वाटर को अलग किया जा सकता अगला प्रश्न क्या कहता है किसकी उपस्थिति के कारण है चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है क्या कह रहा है किसकी उपस्थिति पे चूने का पानी यहाँ पे क्या कहता है बेटा लाइम की बात कर रहे हैं कौन सा लाइम बेटा यहाँ पे याद रखेंगे चूना पत्थर स्टोन लाइम की यहां पे बात कर रहे हैं जिसको संगमरमर भी कहा जाता है खड़िया भी बोल सकते हैं बेटा क्या बोल सकते बोल सकते सकते हैं हैं खड़िया भी तो फटाफट से आंसर दीजिए किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है तो बताइए जल्दी सी आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है बेटा यहां से आपका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड फटाफट से बताइए चूने का पानी क्या है पहले यहां कैल्सियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा चूने का पानी पहले तो ये बात सुन लो चूने का पानी क्या कहलाता है सर कैल्सियम हाइड्रोक्साइड ये देखो क्या है सर अरे क्या हो गया चूने का पानी क्या है सर ये कैल्सियम हाइड्रोक्साइड ठीक है यानी कि यह क्या है प्यारे बच्चों आपका स्केल्ड लाइम है बुझा हुआ चूना है कौन सा है स्केल्ड लाइम है बुझा हुआ चूना और इस बुझे हुए चूनी चूने को आप किस में मिला रहे हैं सर आप मिला रहे हैं पानी में जैसे इसको पानी में मिला होगी ना तो कौन सी रिलीज होगी यहाँ पे कौन सा वायु में रखने पर पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है तो क्या रिलीज होगा बेटा यहाँ से सी टू रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा सारे के सारे विद्यार्थी फटाफट से सेशन को बेहतरीन तरीके से शेयर करते रहिए और मजा आ जाएगा पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी जितनी ज़्यादा शेयरिंग आप करोगे तो हंड्रेड से ऊपर वॉचिंग जो है जानी चाहिए आज की क्लास में हमारी तो शेयर करते रहो अनु गुड इवनिंग अगले प्रश्न की तरफ बढ़े बेटा अगला प्रश्न क्या कहता है देखो आपका समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है Anyway, कौन सी ऐसी प्रोसेस है बेटा जिससे समुद्री जल को क्या किया जा सकता है प्यूरिफाइड किया जा सकता है समुद्री जल को प्यूरिफाइड पहला प्रश्न जो हमने पढ़ा था ना को वाटर से अलग किस विधि से कर रहे हैं सर डिस, डिस्, डिस्टिलेशन प्रोसेस से आश्वन से विधि सेम वही आंसर यहाँ आप पे आपका क्या रहेगा बेटा राइट रहेगा क्या डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या बेटा आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस आसवन जो विधि है कौन सा प्रोसेस प्यारे बच्चे डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है आसवन जो विधि है उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है बेटा अलग किया जा सकता है किसे समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है आसवन विधि से और इसी आसवन विधि से एल्कोहल और क्या अलग कर रहे थे हम सर वाटर को अलग कर रहे थे एल्कोहल और वाटर को क्या कर रहे थे अलग कर रहे थे ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा वेपोरेशन मेरे को पता था बहुत से बच्चे अब देखिए वेपोरेशन में समुद्र का पानी तो वेपोरेट हो रहा है वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे बताइए आप जब बारिश होगी तो वापिस जमीन पे नीचे आएगा तो शुद्ध होने का क्या मैटर रह गया समुद्र का पानी वेपोरेट हो रहा है तो पानी शुद्ध का हो रहा है पहले तो ये बताइए समुन्द्र का पानी आपने उठाया उसको आपने किसी डब्बे में भरा या मान लेते हैं किसी बाल्टी में भर लिया आपने उस पानी को तो कौन सी प्रोसेस रहेगी उसको शुद्ध करने की वो खा रहा है उसको प्योर करने की जो प्रोसेस होगी वो डिस्टिलेशन विधि होगी आश्वन विधि होगी तो जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया है राम राम भाई पेटवाड़ से रोयल जांगड़ा साहब तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ से डिस्टिलेशन रहेगा मेरी वॉयस आप तक अच्छे से आ रही है क्या और प्रश्न भी समझ में आ रहे हैं क्या एक बार सारे विद्यार्थी कॉमेंट करें और बताइए फटाफट से एक बार सारे बच्चे कॉमेंट करें और फटाफट से बताएं मेरी आप तक सही पहुंच रही है और प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं जल्दी बताओ चले अगला प्रश्न आपका क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव्य है कौन सा ऐसा पदार्थ है इनमें से जो बेटा फ्रिस्ड लिक्विड है एक प्रकार का क्या है फ्रिस्ड लिक्विड है या सुपर कोल्डेड बोल सकते हैं फ्रिज लिक्विड या क्या बोल सकते हैं सुपर कोल्डेड द्रव्य है, है आइसक्रीम है अमोनिया है कांच है या लकड़ी है आइसक्रीम अमोनिया कांच या लकड़ी जल्दी सी बताइए जल्दी सी बताइए तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा प्यारे बच्चे सही उत्तर आपका रहेगा सर ग्लास सही उत्तर क्या रहेगा सर आपका ग्लास रहेगा ग्लास किससे बनता है सर तो ग्लास बनता है बेटा फ्रिज्ड एलकेलाइन मेटल्स है किसकी बात करें फ्रिज एल्केलाइन मेटल एल्केलाइन मेटल जो सारी ये धातु होंगी ना उनको बहुत ज्यादा फ्रिज जब किया जाएगा ठंडा जब किया जाएगा तो किसका निर्माण कर सकते हैं ग्लास का किसका निर्माण कर सकते हैं ग्लास का गुरुजी कल काल क्या तेना लगाई क्लास बेटा मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी गला भी आपको पता है बैठा हुआ है इस वजह से कल मैं क्लास नहीं ले पाया था और एक और भी मतलब आज भी डे के अंदर अभी मैराथन लेके आया हूँ छे घंटे की और फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों की क्लास जरूर लेनी चाहिए तो मैंने ली आज छह घंटे की ऑफलाइन में मैराथन थी मेरी तो वो खत्म करके ही सीधा मैं यहाँ पहुंचा हूँ स्टूडियो चले आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है आपका देखिए निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन रद से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा अल्फा पार्टिकल के किसकी बात कर रहे हैं गोल्ड फॉयल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट किसकी बात कर रहे हैं बेटा गोल्ड फॉयल स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं किसने तो टकराया था गामा बीटा इलेक्ट्रॉन या अल्फा तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका सही उत्तर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बिल्कुल क्या है आपका राइट right आंसर है एल्फा पार्टिकल एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है बेटा गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है ब्राइटनेस कम करो गुरुजी थोड़ी सी बेटा ब्राइटनेस कम तो ऑलरेडी है अल्फा रश्मि बिल्कुल सही कह रही है अल्फा तो एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट पढ़ने और पढ़ाने का मजा तभी आएगा जब आप लोग सेशन को शेयर करेंगे चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा अगला प्रश्न क्या कह रहा है एल्यूमिनियम के परमाणुओं के चार मोल द्रव्यमान क्या कह रहा है ध्यान से सुनना एल्यूमिनियम के परमाणुओं के चार मोल का द्रव्यमान क्या होगा चार मोल का द्रव्यमान क्या होगा वट इज द मास ऑफ फोर मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम एल्यूमिनियम परमाणुओं के चार मोल के में एटम का मास कितना होगा चार मोल ऑफ एल्यूमिनियम चार मोल है एल्यूमिनियम के परमाणुओं के राम राम भाई करतार सिंह राम 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 तो आपका सही आंसर क्या रहेगा बेटा चार मोल है तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ से वन जीरो एट ग्राम कितना रहेगा एक सौ आठ ग्राम रहेगा चार मोल किसके है बेटा चार मोल है एल्यूमिनियम के किसके हैं बेटा चार मोल है यहाँ पे किसके एल्यूमिनियम एटम के और उनका जो मास रहेगा वो कितना रहेगा बेटा तो मास मास रहेगा 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 सर 108 ग्राम. मास कितना रहेगा, सर 108 108 ग्राम ग्राम कितना तो आपका जो सही उत्तर है वो क्या है 108 ग्राम आपका सही उत्तर क्या है 108 ग्राम है गुड आफ्टरनून मोहित मलिक बिल्कुल सही रोशनी करतार सिंह वेरी नाइस एक आपका क्या है एक ग्राम आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर है क्लियर चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या पूछी है क्या पूछी है है बेटा मास नंबर पूछा है किसका ड्यूटेरियम का फटाफट से बताओ ड्यूटेरियम आइसोटोप है किसका हाइड्रोजन का सर ड्यूटेरियम किसका आइसोटोप है हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है सोनू सर को बुलाओ सोनू सर भी आएंगे आपकी क्लास लेंगे हिस्ट्री की सोनू सर का जब टाइमिंग होता उस टाइम वो हिस्ट्री की क्लास आपकी जरूर लेंगे बेटा टेक्निकल गेम्स तो हमने क्या कहा आपका जो राइट आंसर रहेगा मार्च नंबर पूछा है ड्यूटेरियम का समस्थानिक होता है बेटा फटाफट फड़ से बताइए आइसोबार बार होगा संभारिक तो आपका राइट आंसर क्या है यहां पे ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अगला प्रश्न क्या कहता है वह सूक्ष्म कण कौन सा है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता बहुत ही आसान सा और इजी सा प्रश्न जल्दी सी बताइए बैकग्राउंड डार्क कर दो प्लीज धुंधला दिख रहा है बेटा पीपीटी जिस बैकग्राउंड में बनी हुई है व्हाइट बैकग्राउंड में ही ये पीडीएफ पीपीटी बनी हुई है अब चेंज नहीं हो सकता है बैकग्राउंड बात यह है समझे तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर थ्री रहेगा यहाँ से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता बेटा न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होगा वन पॉइंट सिक्स इंटू दस की पावर माइनस नाइनटीन के ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी इसी के साथ साथ एक प्रोटोन बराबर होगा बेटा 1.6 की पावर माइनस है लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव को कंसिस्ट करता है इसलिए वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है नेगेटिव को इसीलिए वैल्यू क्या होगी बेटा नेगेटिव होगी इसीलिए वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी क्लियर

आगे कह रहा है थ्री फोर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिकेस उसका तीन चौथाई हिस्सा जो है वो डिके कब होगा यानी कि उसमें से तीन चौथाई हिस्से का हेरेसमेंट कब हो जाएगा ये आपको बताना है राम राम भाई अजय खापड़ राम राम मास्टर जी डीएन कॉलेज हिसार दो हजार बारह से पंद्रह राम राम भाई अजय यस सर डन क्लियर है ठीक है भाई क्लियर है तो बहुत बढ़िया तो आपका right क्या उसकी लाइफ है क्या रहेगा ये रहा ट्वेल्व मंथ आपका राइट right आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर थ्री रहेगा ट्वेल्व मंथ ऑप्शन नंबर थ्री रहेगा प्यारे बच्चे ट्वेल्व मंथ चले आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं क्या कहता है एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है परमाणु की द्रव्यमान संख्या पूछी है अब द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें ना मान लीजिए मैंने ये रिप्रेजेंट किया एक्स से एटम को बिल्कुल सर अब नीचे इसके पाव में लिखा होगा जेड ज़ेंग। ये क्या है बेटा रिप्रेजेंट करता है इसके एटॉमिक नंबर को किसको रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है यानी कि परमाणु संख्या और ऊपर होगा बेटा इसके क्या लिखा ए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एटॉमिक मास को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां पे क्या पूछा गया है परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछी गई है एटॉमिक मास नंबर तो एटॉमिक मास नंबर में क्या टोटल होगा बताइए प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों एड होंगे क्या अकेला प्रोटोन होगा अकेला न्यूट्रॉन होगा या अकेला इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे तो प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे सर प्रोटोन न्यूट्रॉन क्या होंगे दोनों होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे दोनों होंगे तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर जो है वो कौन डिसाइड करता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर जो है वो किस से बना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना होता है प्यारे बच्चे मुकेश कश्यप नमस्ते ऑप्शन नंबर यहां पे क्या रहेगा सी आपका बिल्कुल सही आंसर है जिन जिन विद्यार्थियों ने सी आंसर दिया है बिल्कुल नाइस nice आंसर है आपका और बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है अगले प्रश्न की तरफ बढ़े सर जी जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है अरे इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन को कंसिस्ट करेगा चार्ज पार्टिकल के अनुसार और पॉजिटिव कंसिस्ट करेगा प्रोटॉन ये आपको याद रखना है आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ किस कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किसे किया जा सकता है ये कह रहा है वट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल है कक्षा का मतलब बेटा ये कोई नाभिक है नाभिक के चारों ओर की ये क्या है कक्षाएं हैं सेल है कौन कौन सी कक्षा जिस तरीके से मैंने कहा ये K, ये के एल कक्षा ये M ये N कक्षा. ये एम कक्षा कक्षा एन क्या है ऑर्बिट है 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 कक्षाएं नाभिक नाभिक के चारों ओर की ये कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में क्या होता इलेक्ट्रॉन के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर के कक्षा में दो होंगे एल में कितने होंगे आठ होंगे एम में कितने होंगे अट्ठारह होंगे एन में कितने होंगे सर बत्तीस होंगे कितने होंगे बत्तीस होंगे तो ये पे क्या ये क्या कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा है बेटा वट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट

स्पिन क्वांटम नंबर आपका राइट right आंसर क्या रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर आपका सही उत्तर रहेगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है अब इलेक्ट्रॉन का एंटी बताइए इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहा है सर किसको पॉजिटिव को तो प्रोटॉन किसे कंसिस्ट करेगा जल्दी से बताओ इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को कंसिस्ट करता है व्हाट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है अल्फा पार्टिकल होगा या बीटा होगा अल्फा होगा या बीटा होगा हाँ, बी राइट आंसर है इस प्रश्न का उत्तर दें जल्दी से आप लोग क्या कह रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है व्हाट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल जल्दी सी बताइए फटाफट से, फटा फट से आंसर दीजिए सारे विद्यार्थी जल्दी सी आंसर दीजिए हेलो हेलो हाँ जी क्लास में लाइव क्लास चल रहा है हाँ बोलो मैं एक बार क्लास खत्म कर लू फिर करूंगा कॉल तो मैं क्लास में हूँ लाइव है हाँ जी no सर बिल्कुल बढ़िया बेटा आपका राइट आंसर क्या रहेगा प्रोटोन रहेगा क्या रहेगा आपका राइट आंसर प्रोटोन रहेगा तो जिन जिन बच्चों ने प्रोटोन आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है जिन जिन बच्चों ने प्रोटोन आंसर दिया है वो बिल्कुल क्या है सही उत्तर है आपका अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं परमाणु एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं परमाणु परस्फोटन क्या है वट इज द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन व न्यूक्लियर एक्सपोजन फटाफट से बताइए न्यूक्लियर एक्सपोजन क्या है जल्दी सी बताइएक्शन है, 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 है? साढ़े चार चले बच्चे चलिए तो बताइए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात हो रही है परमाणु परस्फोटन की बात हो रही है तो ताप ये न्यूक्लियर अभिक्रिया थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन होगी क्या केमिकल रिएक्शन होगी क्या कंट्रोल चैन रिएक्शन होगी क्या या अनकंट्रोल चैन रिएक्शन होगी जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट से और सेशन को एक बार शेयर कर दें सारे विद्यार्थी फोर थर्टी बजे क्लास ऑफ हो जाएगी मेरी। चले चलते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया जिन जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही है तापीय न्यूक्लियर अभिक्रिया बिल्कुल क्या है बेटा सही है एक्सप्लेनेशन थोड़ी मैं कम कर रहा हूँ इसके पीछे का रीजन यही है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन जो है वो कवर होते रहे और दूसरा मेरी तबीयत में भी सुधार नहीं है इसीलिए मैं फटाफट फड़ से आपको आंसर जो है वो बता रहा हूँ तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा सही आंसर रहेगा यहाँ से चले आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या होती है फटाफट फड़ से बताइए रेडियो एक्टिविटी नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया पूछी है नाभिकीय रिएक्टरों के माध्यम से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है और न्यूक्लियर एनर्जी में क्या पूछा गया है रेडियो एक्टिविटी विखंडन फ्रेगमेंटेशन होगा सलिन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा तो फटाफट से बताइए नाभिकीय रिएक्टरों में तो सर विखंडन होता है और जब विखंडन होगा तभी क्या होगा सर ऊर्जा का निर्माण होगा विखंडन होगा तभी तो एनर्जी बनेगी बिल्कुल सर ठीक है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम मैंने कहा रेडियोएक्टिव यूरेनियम है ये 92 यूरेनियम ये 92 यूरेनियम 92 टू टू अगर ये क्या हो रहा है बेटा टूट रहा है किस में टूटेगा ये क्रिप्टन में टूटा बैरियम में टूटा किस में टूटा क्रिप्टन और बैरियम में टूटा जब ये टूटेगा बेटा तो क्या होगा विखंडन होगा क्या होगा विखंडन होगा फ्रेगमेंटेशन होगा क्या होगा फ्रेगमेंटेशन तो नाभिकीय रिएक्टरों में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा से. भी में, विखंडन की अगर बात करें, तो क्या बनती है विखंडन अभिक्रिया से एनर्जी बनती है विखंडन अभिक्रिया से क्या बनती है बेटा एनर्जी बनती है सारे विद्यार्थी सेशन को कंटिन्यू शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ने चाहिए जल्दी कीजिए प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए चलें। बिल्कुल आगे चलते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्रोटोन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं जिसमें प्रोटोन की संख्या क्या हो समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो भिन्न हो उसे क्या कहेंगे कैटाइन कहेंगे एनाइन कहेंगे आइसोटोप कहेंगे या हिंग्स बोस कहेंगे बोशोन कहेंगे जल्दी सी बताइए जल्दी सी बताइए जल्दी सी क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि, कि प्रोटोन की संख्या क्या रहे समान रहे किंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो भिन्न हो ऊपर न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहेगी अलग अलग रहेगी नीचे वाले की संख्या क्या रहेगी सेम रहेगी तो क्या कहेंगे घनायन कहेंगे ऋणायन कहेंगे समस्थानिक कहेंगे या इनमें से अलग अलग प्रोटोन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की समान नहीं है यहां पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर समस्थानिक हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा सर आइसोटोप्स हो जाएगा राइट right आंसर क्या हो जाएगा बेटे आइसोटोप हो जाएगा बिल्कुल सही अब क्या कह रहा है कि प्रोटोन की संख्या तो प्रोटोन क्या है नीचे वाले अब इस एलिमेंट में ये यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटोन ठीक है ना ए सॉरी जेड किसके बराबर है जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन बिल्कुल सर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सर ऊपर मास नंबर में से अगर प्रोटोन घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा ये क्या है सर मास नंबर मास नंबर में से अगर ये घटाएंगे जेड तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या बता रहा है डिफरेंट और नंबर ऑफ प्रोटोन की संख्या क्या बता रहा है सेम बता रहा है तो आइसोटोप हो गया जिस तरीके से मैंने कहा ये सी सिक्स हो गया ये सी सिक्स हो गया ये सी सिक्स हो गया तो नंबर ऑफ प्रोटोन तो सेम है ना बेटा लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है तीनों में डिफरेंट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों में क्या है डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो क्या होगा आपका आइसोटोप हो जाएगा समस्थानिक आपका राइट right आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका समस्थानिक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्लियर है क्या जल्दी से बताइए समस्थानिक आपका क्या रहेगा सही आंसर रहेगा डू यू अंडरस्टैंड वेरी वेल क्या आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं एक बार सारे बच्चे आंसर दे मुझे क्या आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं बेटा जल्दी सी बताइए हे भगवान जल्दी बताइए चलते हैं अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कह रहा है जब क्या थोड़ किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती हैं तो किसे उत्सर्जित करती हैं क्या थोड़ रे जब किसी से टकराती है बेटा हाई मोलिकुलर मुली, वेट हिट करती है टारगेट करती है आणविक भार के लक्ष्य से अगर वो किसी से टकराती है तो वो किस चीज को इमिट करेंगी क्या थोड़ किरणें के, के लक्ष्य से टकराती हैं तो वो किसे उत्सर्जित करती हैं अल्फा को बीटा को गामा को या पॉजिटिव रेज को फटाफट से बताइए फटाफट से बताइए यस सर समझ आ रहा है ओके रिपोर्ट है सर बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी विद्यार्थियों का तो सारे बच्चे सेशन को शेयर जरूर करते रहें सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर जरूर करते रहें जितने ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे उतना ज़्यादा पढ़ाने का भी मज़ा आएगा और मेरे में भी थोड़ा एनर्जी आ जाएगी एक प्रकार से ठीक है जो गला बैठा हुआ है या जो तबीयत खराब है वो बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी क्योंकि जब बच्चे दिखते हैं ना कि इतने ज़्यादा बच्चे देखो हम पे भरोसा किए हुए हैं हमसे पढ़ रहे हैं तो हमें भी मतलब अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए ठीक है और इतनी इतनी क्लासें होती हैं तो आपको पता ही है स्वास्थ्य एक बार बिगड़ जाए तो समय तो लगता ही है ठीक है तो फटाफट से बताइए अल्फा बीटा या गामा अल्फा बीटा या गामा जल्दी सी तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा आपका राइट आंसर रहेगा बीटा रेज आपका राइट आंसर क्या रहेगा बीटा रेज रहेगा आपका सही उत्तर क्या रहेगा प्यारे बच्चे बीटा रेज रहेगा अंशु राजपूत गुड इवनिंग गुड इवनिंग एक्स रेज रहेगा भाई बीटा रेज नहीं है एक्स रेज है गलत कर दिया हमने एक्स रे करेंगे उत्तर क्या रहेगा आपका बीटा रेज नहीं रहेगा एक्स रे आपका उत्तर रहेगा ये क्या कह रहा है हाँ कोई क्या थोड़ किरणे आणविक भार पे ठीक है ठीक है कोई क्या थोड़ा किरणे टारगेट कर रही है किसके ऊपर हाई मोलिकुलर वेट के ऊपर तो इमिट करेंगी वो एक्सरे क्या इमिट करेंगी बेटा एक्सरे इमिट करती है क्या इमिट करती है एक्स रेज को इमिट करती है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है एम सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या चार सेल कौन सी के एल एम और एन ठीक है तो एम सेल में अधिकतम संख्या जो, जो मौजूद रह सकती है वो कितनी होगी आपकी एटीन होगी कितनी होगी एटीन होगी एन सेल में अधिकतम कितनी हो जाएगी बत्तीस हो जाएगी सर एन सेल में क्या हो जाएगी बत्तीस तो इसमें क्या होगी आपकी एटीन होगी कितनी होगी

ये कह रहा है नाइनटी टू टू थर्टी एट परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं कितने न्यूट्रॉन होते हैं तो न्यूट्रॉन कैसे निकालने हैं आपको सर न्यूट्रॉन निकालेंगे घटा देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या घटा देंगे एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ मास कितने टू थर्टी एट में से आप माइनस कर दीजिए नाइन्टी टू कितने माइनस कर देंगे नाइनटी टू कितना हो गया बेटा ये सिक्स हो गया है और ये हो गया आपका छ और इधर हो गया तेरह में से नो चार तेरा और सौ छियालीस आपका कितना होगा एक सौ छियालीस होगा न्यूट्रॉन आ जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया आपका एक सौ छियालीस आ गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया है दो सौ अड़तीस नहीं एक सौ छियालीस एक सौ छियालीस आपका सही उत्तर रहेगा राम राम बेटा प्रियंका शर्मा नमस्ते तो 146 क्या जाएगा? आ जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 146 क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो इक्वल होते हैं बेटा एटॉमिक नंबर के अब एटॉमिक मास नंबर में से अगर घटा देंगे एटॉमिक नंबर को परमाणु द्रव्यमान में से अगर परमाणु संख्या घटाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा तो परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है यहाँ पे दो और परमाणु संख्या कितनी है बानवे तो दो में से बानवे घटा दोगे कितना आ जाएगा वन आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका वन आ जाएगा तो वन क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है वन फोर सिक्स क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है ओके okay? चले आगे अगले प्रश्न की तरफ देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक पूछा है फ्लोरीन है सोडियम है क्लोरीन है या ऑक्सीजन है जल्दी सी बताइए जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का बहुत ही आसान सा प्रश्न है प्यारे बच्चे फटाफट फड़ से आंसर दीजिए जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फटाफट बड़ से बताओ कोई ऑक्सीजन कह रहा है विनोद ने और रॉयल जागरण स्टूडियो भाई साहब ने सही आंसर दिया है सर थोड़ी ब्राइटनेस कम करवा दो बेटा ब्राइटनेस कम नहीं हो सकती क्योंकि पीपीटी जो है ना वो वाइट कलर में ही बना हुआ है दिक्कत ये है कल से ब्लैक कलर में पीपीटी रखेंगे ठीक है तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा फ्लोरीन रहेगा क्या रहेगा आपका राइट आंसर फ्लोरीन याद रखेंगे आप, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है सही आंसर है आगे चलते हैं परमाणु तत्व संख्या उनतीस किससे संबंधित है परमाणु परमाणु तत्व संख्या किससे संबंधित है एस ब्लॉक डी ब्लॉक पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक बताइए संख्या पूछी हुई है कौन से ब्लॉक में आएगी नाइस क्लास अंजलि सांखला थैंक यू फटाफट से उत्तर दो सारे बच्चे एटॉमिक एलिमेंट नंबर ट्वेंटी नाइन रिलेटेड टू फटाफट से बताइए कौन से ग्रुप में आएगी बेटा बताओ डी ब्लॉक में आएगी कौन से ब्लॉक में आएगी बेटे डी ब्लॉक में आएगी कौन से ब्लॉक में आएगी डी ब्लॉक में आएगी कितने ब्लॉक हैं सर चार ब्लॉक हैं मेंडलीफ के अनुसार ब्लॉक कितने हैं सर चार हैं मेंडलीफ के अनुसार ग्रुप कितने हैं सर चार हैं मेंडलीफ के अनुसार आवृत्त कितने पीरियड कितने हैं सात है तो आवृत कितने, कितने, कितने है बेटा सात समूह कितने है बेटा अठारह और चार क्या है पे बेटा ब्लॉक है चार क्या है ब्लॉक है चार ब्लॉक है समूह अठारह है और आवृत कितने हैं सेवन आवृत कितने हैं सेवन है तो डी ब्लॉक क्या रहेगा रहे रहे आपका उत्तर रहेगा क्या रहेगा बेटा डी ब्लॉक आपका आंसर रहेगा डी ब्लॉक क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा प्यारे बच्चे ठीक है चले आगे अवगेड्रो संख्या का मान कितना होगा वट इज़ द वैल्यू ऑफ अवगेड्रो नंबर ये बताइए बहुत ही आसान सा प्रश्न वट इज द वैल्यू ऑफ अवगैड्रो नंबर आपने बहुत बार देखा भी होगा अवगैड्रो नंबर के बारे में सुना भी होगा डी ब्लॉक से अलग हुआ है ब्लॉक एप से अलग हुआ है हाँ बिल्कुल फटाफट से बताओ बेटा जल्दी से। अब अवगैड्रो नंबर की वैल्यू पूछ रहा फट है ये फटाफट से बताइए चार ब्लॉक कौन कौन से हैं सर चार ब्लॉक है प्यारे बच्चे आपके अभी बताए एस पी टी एफ एस पी डी एफ बताए हैं चार ब्लॉक सी आंसर दे रहे हैं बहुत से बच्चे में की पावर चौबीस आपका राइट आंसर क्या रहेगा बी रहेगा राइट right आंसर क्या रहेगा बी एवगेट्रो नंबर की बात आए तो सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू में दस की पावर ट्वेंटी थ्री के बराबर होता है एक एवगेट्रो नंबर किसके बराबर होता है अब गेट्रो बी भी जिन विद्यार्थियों का एक तो मुझे है ना कमेंट बड़े पास जाके इतने छोटे-छोटे हैं ये दिखते नहीं है नाइस क्लास थैंक यू सो मच थैंक यू भाई थैंक यू ओके सर जी एस ब्लॉक मेटल बिल्कुल एस ब्लॉक में मेटल होती है भाई एस ब्लॉक में मेटल होती है तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ से 6.023 पावर ट्वेंटी थ्री इंटू में टेन की पावर क्या है बेटे 23 है है अगले प्रश्न देखो क्या कहता है? किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से तय करता है रासायनिक गुण कोई भी मतलब एलिमेंट है उसके रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कोई भी एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन तय करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन या ऑल ऑफ दिस तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सभी डिसाइड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी तो सभी डिसाइड करेंगे तो डी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है है आपका क्लियर आगे तो तो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कोई भी एलिमेंट uh, है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सभी पे डिपेंड होती है आगे चले कौन से दो तो आधारभूत बल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक सम ऑफ फोर्सेस ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर क्या कह रहा है ये पहले सुन लो दो आधारभूत बल है कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कौन पैदा करवा सकता है फटाफट से बताओ कौन से दो आधारभूत बल दो आधारभूत बलों की बात हुई है यहाँ पे ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टेटिक या कुछ अन्य बल या ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर और यह कह रहा है स्थिर वैद्युत और नाभिकीय तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों में क्या होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है दोनों में क्या होती है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अरे ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या रहेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स तो कोई दो मासिस बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होती है ग्रेविटेशनल फोर्स कोई दो मासिस बॉडी के बीच में यही तो आप मार खा जाते हो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कोई दो बीच बॉडी के बीच का अट्रैक्शन करता है चार्ज पार्टिकल की बात करें हाँ डी अंजलि डी राइट आंसर है चार्ज पार्टिकल की बात करें चार्ज पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो उनपे इलेक्ट्रोसेटिक फोर्स लगेगा और न्यूक्लियर फोर्स में भी दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपस में टकराते हैं न्यूक्लियर फोर्स में भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोसेटिक में दो चार्ज पार्टिकल चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटोन हो चाहे वो दोनों अलग अलग हो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन दोनों हो चार्ज की प्रॉपर्टी तो आप पढ़ ही रहे हैं बेटा सिमिलर चार्ज आर अट्रैक्ट रिपेल टू इच अदर एंड डिफरेंट चार्ज आर रिपेल टू टू अट्रैक्ट अदर कि जो डिफरेंट चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को पास पास आएंगे भाग करके और जो एक जैसे होंगे वो दूर दूर कर देंगे प्लस प्लस को दूर दूर करेगा माइनस माइनस को दूर दूर करेगा तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बता रहा है ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का अट्रैक्शन एक फोर्स तो ये हो गया और दूसरा न्यूक्लियर फोर्स में दो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ओके सर समझ गए पायल मोर थैंक यू भाई डी राइट आंसर है बिल्कुल डी राइट आंसर है आपका चले आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है देखो अगला प्रश्न कहता है कई जगह ये आंसर देखो गलत कर रखे हैं इसमें लिखा है गुरुत्वीय और न्यूक्लियर अरे भाई गुरुत्वीय न्यूक्लियर कैसे हो जाएगा कई बार ये टेक्निकल टीम है ना ये खराबी कर देती है तो आपका राइट आंसर क्या है स्थिर वैद्युत और नाभिकीय स्थिर वैद्युत और नाभिकीय होगा बेटा क्लियर चले आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखो परमाणु क्रमांक बीस वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन से विन्यास है। क्या कह रहा है ये कह रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम विद एटॉमिक नंबर ऑफ ट्वेंटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन विद्युत विन्यास पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन क्या पूछ रहा है बेटा विद्युत विन्यास। किसका विद्युत विन्यास पूछ रहा है उस एलिमेंट का विद्युत तो विनाश पूछ रहा है जिसका परमाणु क्रमांक बीस है तो परमाणु क्रमांक वाला एलिमेंट कौन सा है है कौन सा है कैल्सियम अब पहली कैल्सियम पहली कक्षा कक्षा में में नंबर पे आता है तो जिसके दो हैं सर बिल्कुल सही दूसरी में आठ रहेंगे तीसरी में आठ रहेंगे चौथी में भी क्या रहेंगे आठ चौथी में भी क्या रहेंगे आठ रहेंगे तो दो आठ आठ दो रहेगा क्या बीस या दो दस आठ रहेगा दूसरी कक्षा में दस तो हो ही नहीं सकता सर तो दो आठ आठ टू टू क्या है ये आउटर सेल में है टू क्या है इसके आउटर सेल में तो अभी तक तो ये बैलेंस हुआ नहीं शेयरिंग के ऑप्शन पे जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा यहाँ पे सी राइट आंसर रहेगा क्या फटाफट से बताओ ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा राइट रहे आंसर रहे रहेगा पहली कक्षा में दो दूसरी में आठ तीसरी में आठ हो गए यहाँ पे और चौथी में क्या हो गए दो या ए रहेगा फटाफट से बताओ जल्दी सी सी रहेगा ए रहेगा या ये चौथे नंबर वाला रहेगा अब ध्यान से सुनना एक बात क्या सुननी है सुनो ध्यान से बात क्या कह रहा है कि पहला बैलेंस कब होगा कोई भी एलिमेंट ये बीस वाला है तो तीन सेल है ये सर बैलेंस जब होता है जब उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सर आठ इलेक्ट्रॉन हो आउटर सेल में कितने हो सर आठ हो आठ से ज्यादा तो हो सकते हैं लेकिन आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके आउटर सेल में तो पहली सेल में कितने हैं सर दो दूसरी सेल में कितने हो गए सर आठ आठ और दो कितने हो गए दस तीसरी सेल कौन सी है सर इसकी आउटर सेल आउटर सेल में इसमें तीसरी में कितने हो कितने तक हो सकते हैं सर तीसरी में अठारह तक हो सकते हैं हमारे पास कितने हैं दस तो दस आ जाएंगे यहाँ पे तो पहला ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बैलेंसिंग हो गई ना इसकी बिल्कुल हो गई सर आउटर सेल में दस तो है ही जय हिंद भाई आउटर सेल इज इक्वल टू बैलेंसी बिल्कुल सही ए उत्तर सही रहेगा जिस बच्चे ने यह उत्तर सही दिया है कई तो मैं मैं जहा भी निशान लगा दू ना एक मिनट से पीछे से निशान लगा देंगे कि ये उत्तर है अरे समझने की कोशिश कर लिया करो पहले ये क्या है राइट आंसर एक दो आठ आठ अठारह बत्तीस बत्तीस ऐसे चलेंगे बिल्कुल अनिल टाक सही कह रहे हैं भाई साहब तो कल भी मैंने ये बात आपको बताई थी कैसे बताई थी इस तरीके से बताई थी मैंने मैंने कहा आपको कि सेवन क्या है पीरियड है तो स्टार्टिंग वाले में लघु आवर्त में दो रहेंगे फिर दीर्घ आवर्त होगा आपका उसमें कितने रहेंगे आठ आठ रहेंगे फिर अति लघु ये लघु आवृत उसके बाद दीर्घ आवृत्त में कितने रहेंगे अठारह अट्ठारह उसके बाद अति दीर्घ आवर्त में कितने रहेंगे बत्तीस बत्तीस रहेंगे कितने रहेंगे बत्तीस बत्तीस और हमें बैलेंसी करनी है तो आउटर सेल में ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं बैलेंसी के लिए जो आउटर सेल होगी ना जो बाहरी कक्षा होगी उसमें आठ इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है आठ से ज्यादा हो सकते हैं आठ इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है अठारह से ऊपर नहीं निकल सकते ऑफिशियल एस के चौबीस चौबीस कह रहे हैं गलत है सर ये तो सुभाष शर्मा नमस्कार सर कैसे हैं आप अरे सी सही कैसे हो गया अरे मेरा भाई ये कह रहा है देख लो ध्यान से सुन ले दो आठ आठ और दो दो आठ आठ और दो सी बताया हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार अरे मेरा दिमाग ही पजल हो रहा है आज यार सुन लो ध्यान से अभी दोबारा से सुन लो रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार दो फिर आठ फिर आठ फिर अथारा, फिर, अथारा, फिर अथारा और फिर ये ये रहेगा रहेगा सिस्टम बिल्कुल ये रहेगा। तो अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ना तो इसके अनुसार हमने क्या कहा कि आउटर सेल में कितने होने चाहिए आठ होने चाहिए तो आउटर सेल में आठ तो है ही नहीं आउटर सेल में कितने हैं इसमें दो हैं तो ये शेयरिंग का ऑप्शन चूज करेगा तो पहली सेल में दो है दूसरी में आठ तीसरी में आठ और चौथी में कितने होने चाहिए कितने होने चाहिए आठ लेकिन इसके पास कितने हैं दो हैं तो दो आठ आठ और दो कितने हो गए टोटल टोटल तो कितने हो रहे हैं सर ये बीस हो रहे हैं लेकिन बैलेंस तो नहीं हो रहा लेकिन बैलेंस तो नहीं हो रहा उस आधार पे तो ये क्या रहेगा आपका सही आंसर रहेगा सी वाला तो सी सही करेंगे बिल्कुल सी सही है हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन ठीक है सर आपने खुद ही दो आठ आठ अठारह करवाया हुआ है बिल्कुल दो आठ आठ अठारह करवाया हुआ है बेटा सही कह रहे हो आप अरे गलत कौन करवाया भाई सही करवा दिया पहले मैंने तीन पे लगाया होगा टिक लेकिन कई बार जो है ना ऑप्शन देख करके के दिमाग पजल भी हो जाता आदमी का सुबह से वैसे भी छः घंटे सात घंटे से लगातार ही क्लास ले रहा हूँ हाँ सी का था आपने <laughs> बिल्कुल सी का था ठीक है तो हमने सी कर दिया और बता भी दिया मैंने यहाँ लिख के भी ये बात बता दी कि पहली सेल पहले आवृत को क्या कहेंगे बेटा लघु आवर्त कहेंगे सबसे छोटा दूसरा आवर्त कौन सा हो जाएगा पीरियड देखो एक दो ब्लॉक तीन ब्लॉक चार पांच छ और सात ये सात क्या है बेटा आपके सर ये सात आवृत है सात आवर्त में पहला जो आवर्त है ना ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट आवरत है बेटा लघु ठीक है और लघु है तो कौन सा हो जाएगा ये अति लघु हो जाएगा फिर दो और तीन वाले क्या होंगे सर ये हो जाएंगे लघु आवृत तो लघु आवर्त में कितने होंगे आठ आठ होंगे लघु आवृत में कितने होंगे अति लघु में दो लघु में आठ आठ तीन चार क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा आपका दीर्घ आवृत्त और दीर्घ लार्जेस्ट सेल हो जाएगी ये ठीक है पीरियड हो जाएगा तो इसमें कितने हो जाएंगे सर अठारह और इसमें सेवन एट में ये क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा अति दीर्घ तो इसमें क्या हो जाएंगे बत्तीस बत्तीस हो जाएंगे शायद मैंने कल भी ये करवाया था आपको ये पूरी बात बताई होगी तो ये हो गए अठारह अठारह छत्तीस हो गए ये और सोलह और दो अठारह चौबन और ये हो गए चौंसठ चौबन और चौंसठ एक सौ अठारह ये पूरा बैठ रहा है आपका एक सौ अठारह एलिमेंट ठीक है कोई बात नहीं थक जाता है इंसान बिल्कुल बहुत अच्छा सर आप करवाते रहें बिल्कुल थोड़ा इंग्लिश में ही बता दे हा इंग्लिश में बता दिया बेटा मैंने ये क्या है बेटा स्मॉलेस्ट पीरियड है वेरी स्मॉलेस्ट पीरियड है ये स्मॉलेस्ट पीरियड है, है ये लार्जेस्ट पीरियड है और ये वेरी लार्जेस्ट पीरियड है ठीक है समझ में आ गई ये बात हाँ जी सर करवाया था आपने कल हाँ बिल्कुल कल मैंने करवाया था सपना चले आगे चलते हैं अगला प्रश्न देखो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में ये पूछ रहा है कि एक ही कक्षा के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनमें सेम एक ही ऑर्बिटल के अंदर एक ही कक्षा पूछी हुई है यहां पे एक ही कक्ष के अंदर एक ही ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है सर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनमें क्या पाया जाता है एक जैसा चक्रण पाया जाता है क्या या दोनों विपरीत चक्रण में होते हैं क्या या एक जैसा भी होगा और विपरीत भी होगा या कोई चक्रण नहीं होता तो यूनिफॉर्म स्पिन होता है या रिवर्स स्पिन होता है एक ही इलेक्ट्रॉन अगर एक उसमें पाए जाए कक्ष में तो आपका रिवर्स स्पिन होगा बेटा क्या हो जाएगा बेटा रिवर्स स्पिन होगा विपरीत चक्रण ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा वेल्डन सर जी थैंक यू भाई लक्ष्य सिंह ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा पायल मोहर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही उत्तर है बी ऑप्शन क्या रहेगा सही उत्तर रहेगा रिवर्स स्पिन अगर एक ही कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन है एंटी तो रिवर्स स्पिन आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल सही सपना सही कह रहे हो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका बिल्कुल सही है बेटा ऑप्शन नंबर बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है ओके क्लियर है क्या सारे बच्चे एक बार कॉमेंट करके बताए समझ पा रहे हैं क्या अच्छे से और एक बात और मैं आपको बता देता हूं ये हमारी पुस्तक है बेटा संदीप सिवाज सर सुभाष सर और ब्रजपाल झाझड़िया साहब ने बुक लिखी है तो सुभाष सर के पावन सानिध्य में बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये व्यक्तित्व और जो आपको दिख रही है डी एन ए ऑफ हरियाणा टू पॉइंट ज़ीरो हरियाणा जी की बहुत ही बेहतरीन किताब है बेटा मैंने खुद पढ़ी है इस बुक को पढ़ा है अच्छे तरीके से और इस बुक को पढ़ के बहुत से बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है वो परचेज कर सकते हैं हरियाणा जी के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और तरुटी रहित कंटेंट है मैं कहूँगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी कहीं भी आपको इस बुक में गलती नज़र नहीं आएगी और बेहतरीन तरीके का कंटेंट यहाँ दिया हुआ है तो जिस विद्यार्थी को आ, मतलब पर्टिकुलर तरीके से हरियाणा जीके की तैयारी करनी है ग्रुप सी एंड डी के लिए चाहे आगे हरियाणा पुलिस की बात करें प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए हरियाणा के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है और अभी नई डी एन एफ हरियाणा टू पॉइंट जीरो हमारी कल या परसों जो है इसको लॉन्च किया गया है तो आप टू पॉइंट पहले डी एन एफ हरियाणा को भी बहुत बेहतरीन प्यार दिया था आप सभी मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे मुझे चाहिए सभी मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे सर बेटा पी डी एफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको समझ आ रहा है डन सर जी प्लान सर आप जब बता देते हो तब ये बताते हैं अच्छा भाई सर आज थके हुए लग रहे हो आप बहुत अच्छे नाइस कंटेंट थैंक यू प्यारे बच्चों सभी को थैंक यू नोट्स बना रखे हैं सर मैंने तो खुद से बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे थके हुए बिल्कुल थके हुए लग रहे हैं सुबह नाइन ओ से मेरी कॉन्टिन्यू क्लास थी आज ऑफलाइन में भी मैराथन थी अभी थ्री ओ मैंने क्लास छोड़ी थी बेटा और तीन बज के सत्रह मिनट पे मैं दोबारा लाइव फिर से हो गया हूँ यानी कि पूरे सुबह से मेरे को पंद्रह मिनट का टाइम मिला है जिसमें मैंने तीन चार बार पानी पिया होगा बस क्लियर है चलिए आगे चलते हैं चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है एटॉमिक पाइल कहाँ यूज़ की जाती है एक्सरे के उत्पादन में नाभिकीय विखंडन के परिचालन में ताप नाभिकीय शल्यन के परिचालन में या परमाणु तवरण के अंदर फटाफट से बताइए परमाणु पाइल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है तो परमाणु पाइल का इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा परमाणु पाइल्स की बात करें तो परमाणु पाइल्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है तो यूज किया जाता है बेटा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में यूज किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन में न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर किसी आप एक हैवी एलिमेंट को क्या करते हैं तोड़ते हैं और जब एक हैवी एलिमेंट टूटेगा तो एनर्जी को रिलीज करता है दो तो हल्के हल्के एलिमेंट में टूटेगा और यू कंटिन्यू तरीके से एलिमेंट जो है वो टूटते रहेंगे और एनर्जी क्या होती रहेगी रिलीज होती रहेगी बेटा जैसे यूरेनियम 92 238 को बैरियम और क्रिप्टन में तोड़ा जाता है तोड़ा जाता है ना ठीक है सर मेरे पास प्लस टू में नॉन मेडिकल था साइंस के क्वेश्चन कहीं बाहर से तो नहीं आएगा ना ना नहीं आएंगे बेटा साइंस के क्वेश्चन बाहर से नो टेंशन आप कंटिन्यू क्लास लगाते रहें भाई रिप्लाई दीजिए सर भाई रिप्लाई तो एक तो कमेंट बहुत छोटे छोटे मुझे यहाँ तक तो दिख भी नहीं रहे हैं जब मैं स्क्रीन के पास जाता हूँ तो दिखाई देते हैं एक दो प्रश्न मुझे ठीक है और दूसरा सभी के, के कॉमेंट यूँ फटाफट से अगर पढ़ाते रहेंगे तो कॉमेंट पर ध्यान दें या पढ़ाएं बस देखो तो बी ऑप्शन आपका उत्तर सही है यूरेनियम अंत किस तत्व के स्थाई में बदल जाता है यूरेनियम इवेंटली टर्न इन टू स्टेबल है बेटा और पूछा गया है यूरेनियम जो है जब टूटेगा तो अंतत किस तत्व के स्थायी आइसोटॉप समस्थानिक में बदल जाता है किस तत्व के स्थायी आइसोटॉप में बदल जाता है रेडियम के थोरियम के लीड के या पोलोनियम के रेडियम थोरियम, लीड या पोनोलियम जल्दी सी बताइए बेटा जल्दी से आंसर दीजिए सर पीडीएफ कैसे मिलेगी प्लीज सर बता दो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन चैनल कर लें जी के संदीप शिवा सर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें वहाँ से मिल जाएगी वहाँ से मिल जाएगी आपको यूरेनियम इवेंटली टर्न इन टू स्टेबल आइसोटॉप विच एलिमेंट फटाफट से बताएं जल्दी सी ओनली भाई संदीप सिवात सर हरष रोहिला क्या कह रहे हैं गुड इवनिंग जय श्री श्याम तीन बजे हुई थी चलिए फटाफट से आंसर दीजिए भाई तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा बेटा रेडियम के आइसोटोप में यूरेनियम जब टूटेगा ना बेटे यूरेनियम अंतत किसी तत्व के स्थायी आइसोटोप में टूट जाएगा और वो स्थाई स्थाई आइसोटोप कौन से तत्व का रहेगा आपका रेडियम क्या रहेगा रेडियम रहेगा क्लियर है चले चलिए अगले प्रश्न की तरफ ऑजोन ऑक्सीजन का है बेटा एक एलोट्रॉप है आइसोट्रॉप है सम बारिक है या सम न्यूट्रॉनिक है जल्दी से बताइए हर्ष रोहिला कह रहे हैं संदीप सिवात सर प्लीज सर इस सर को हटाओ क्यों भाई साइंस पढ़नी नहीं है क्या सिवात सर हटाएंगे हम्म आप ही कह दो आपके कहने से हट जाऊंगा मैं तो समस्या है तो आपको मुझसे हम्म है भाई रोहिला साहब हरीश रोहिला साहब अगर मेरे से आपको समस्या है तो आप बता दीजिए बताइए समस्या है क्या आपको मुझसे जल्दी बताइए जल्दी से बताओ हरीश रोहिला जवाब दीजिए थोड़ा सा यार पता तो चले मुझसे आपको क्या समस्या हो गई ओजोन ऑक्सीजन का एक है क्या है फटाफट से बताओ अरे एलोट्रॉप है क्या है एलोट्रॉप है इसको ही हटा दो सर सर ये खुद हट जाएगा अरे भाई बलॉक तो हमें करना ही नहीं ब्लॉक क्यों करेंगे पढ़ रहा है बच्चा पढ़ने दो बच्चा कह रहा है सर आप डीमोटिवेट कंटेंट मत पढ़ा करो जितनी इसकी उम्र होगी ना आरिश की इतना टाइम तो पढ़ाते हो गया वो बेटा मेरे को ठीक है और ये तो आप एलोट्रॉप रहेगा आपका पहला उत्तर तो मैं आपको सही बता दूं अपर रूप है बेटा ऑक्सीजन का क्या है अपर रूप है मास्टर ऑफ साइंस कर रखा है मैंने यूं ही नहीं पहले अपने आप को तपाया है फिर जाके कैमरे के सामने आते हैं हम समझे क्या और दूसरी बात ये आप तो यहाँ कैमरे पे देख रहे हो मुझे कभी ऑफलाइन पढ़ के देखना फिर बताता हूँ मैं आपको समझे कमाल करते हो यार मतलब थोड़ा बहुत तो तमीज होनी चाहिए हुँ? क्लास के अंदर ढाई ढाई तीन तीन हजार बच्चों की क्लासेज होती हैं ऑफलाइन में दिल्ली मुखर्जी नगर सुना ही होगा गए नहीं होंगे वहाँ जाकर भी मेरा नाम पूछ लेना पहले ही मतलब कोई परेशानी से टीचर रिटायर्ड हो ऊपर से तुम ऐसे कमेंट मारो क्या बुरा कर दिया भाई मैंने तेरा कमाल है यार बदतमीज कहीं के पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं चले आगे नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन के आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में क्या कह रहा है बेटा द आइनाइजेशन पावर की बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन हैज क्यों है ऐसा नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पावर जो है वो किससे ज़्यादा है बेटा ऑक्सीजन की आयनाइजेशन पावर से ऐसा क्यों है ऐसा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इसमें स्मॉल एटॉमिक रेडियस है क्या या स्टेबल हाफ फुल टू पी हाई लेवल है क्या या हाई न्यूक्लियर चार्जेस है क्या कह रहा है ये उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा है लघु परमाणु तर्जा है भरा हुआ है टू पी उच्च स्तर या उच्च नाभिकी आवेश कई बच्चों को तो ऑप्शन भी समझ नहीं आएंगे इस प्रश्न के गारंटी देता हूं मैं कई बच्चों को तो इस प्रश्न के ऑप्शन भी समझ नहीं आने के फटाफट पड़ से बताओ क्या कह रहा है सर जी आल्सो मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स सर जी आल्सो मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स अच्छा तो आपने एम एस सी से किया है और आप साइंस यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे से हरीश रेठालिया आप एमएससी मैथेमेटिक्स हैं और आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन इतना शानदार है बहुत बढ़िया बेटा ये कह रहा है कि सर मैंने एम एस सी की हुई है मैथमेटिक्स से इसने एमएससी की हुई है मैथमेटिक्स से हरीश ने और वे ऑफ कम्युनिकेशन थैंक यू हरीश बहुत मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ ये सुनकर के एमएससी की हुए बच्चे जो है मेरी क्लास लगा रहे हैं यूट्यूब पे बहुत बढ़िया एम एस सी वालों को ही पढ़ाता हूं मैं ये भी बता दूं तो प्रश्न का आंसर दे दे आप क्या आएगा एटॉमिक रेडियस जो होती है ना वो कम होती है इस वजह से डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन उपस्थित होता है बताओ डिटर्जेंट पाउडर का यूज करते हो घर पे वट इज द मेन केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम एल्काइल सल्फेट फटाफट से बताएं प्रश्न का आंसर अरे भाई ये कमेंट करना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो जल्दी से बताओ फटाफट से बताओ सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट पाउडर में क्या होता है मेन केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर बहुत बढ़िया बेटा सोडियम कार्बोनेट जिन जिन विद्यार्थियों का आंसर है वो बिल्कुल सही है सोडियम कार्बोनेट जिन जिन विद्यार्थियों ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है अन्य टू सी ओ थ्री ये आपका सोडियम कार्बोनेट होता है डिटर्जेंट पाउडर को हिंदी में क्या बोलते हैं आप बोलते हैं बेटा सोपलेस सोप होता है ये क्या होता है सोडियम कार्बोनेट की बात करें या डिटर्जेंट पाउडर की बात करें ना तो डिटर्जेंट पाउडर जो होता है बेटा इसको क्या कहा जाता है सर अपमार्जक ठीक है इसको बोला जाता है सोप लेस सॉप बोला जाता है इसे ठीक है साबुन रहित साबुन अपमार्जक को क्या कहा जाता है सर साबुन रहित साबुन कहा जाता है सर अपमार्जक को क्या कहा जाता है साबुन रहित साबुन कहा जाता है और एक बात और भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर Yup. अपमार्जक की बात करें ना तो जो सूती कपड़ा होता है ना बेटा जो क्या होता है सूती कपड़ा होता है उसको कभी भी साबुन से नहीं धोना चाहिए क्योंकि साबुन का नेचर क्या होता है बेटा बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर होता है शारीय नेचर होता है बहुत ज़्यादा इस वजह से ठीक है तो याद रखना है आपको क्या यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा अपमार्जक सूती कपड़े को अपमार्जक से धोना चाहिए सरप से धोना चाहिए डिटर्जेंट से धोना चाहिए क्यों क्योंकि वो सूती कपड़े को जब आप अपमार्जक से धोोगे ना तो वो खराब नहीं होगा सूती कपड़े को आप अपमार्जक से क्या चक्कर है भाई सूती कपड़े को जब आप अपमार्जक से धोते हैं तो वो क्या नहीं होता प्यारे बच्चे खराब नहीं होता वो जल्दी से हाँ लॉन्ग चेन फैटी एसिड बिल्कुल सही फैटी एसिड मिल जाएंगे बेटा किसके साथ सोडियम सल्फेट के साथ मिल करके सोडियम कार्बोनेट के साथ मिल करके सोडियम और पोटेशियम रहेगा सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के साथ मिल करके ही क्या बनता है बेटा फैटी एसिड जब मिल जाएंगे तो शॉप बनाएंगे ठीक है सर जी आप गुस्सा हो गए मेरे से ये बोलने का मतलब नहीं था मैं इसलिए बोल रहा था कि मैंने हरियाणा जी करनी थी अरे बेटा मैं किसी से पहली बात तो ये गुस्सा नहीं होता दूसरी बात ये जब आपको हरियाणा जी के पढ़ना था तो आप अच्छे तरीके से कह सकते थे कि सर हरियाणा जी के पढ़नी है मुझे तो सिवात सर को बोलिए कि वो क्लास लेंगे आप कह रहे हैं सर को हटाओ आप जिनसे हरियाणा जी के पढ़ेंगे सिवात सर से उनसे पूछना कि वो मेरे को जब क्लास देते हैं तो क्या कहते हैं वो इसलिए क्लास देते हैं कि सर साइंस जो है फिफ्टीन मार्क्स की आएगी और हमारे विद्यार्थी जो है वो किसी भी तरीके से किसी सब्जेक्ट की वजह से रहने नहीं चाहिए पूरा कंप्लीट होना चाहिए और हरियाणा जी की क्लास जब होती है तब क्या आप देख लेते हो वे ऑफ कम्युनिकेशन तो होता है यार आप कह रहे हो सर आई एम मास्टर इन साइंस इन मैथमेटिक्स कि मैंने एम किया हुआ है सर मैथमेटिक्स से आपका पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो आपकी व्यक्तित्व को निर्धारित करता है प्यारे बच्चे आपका सर्वांगीण विकास अकेला डिग्रियां ये मेजरमेंट नहीं करती कि आपने आ, क्या किया है आपके नॉलेज का मेजरमेंट आपके बिहेव से होता है आपका व्यवहार आपका बोलने का तरीका आपका कम्युनिकेशन जो वे है आपका पहनावा आपका रहन-सहन आपकी भाषा समझे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ क्या कहता है देखिए सोडियम कार्बोनेट के बाद क्लास शायद प्रश्न इतने ही थे क्या 64 प्रश्न थे बेटा नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, और भी है यार कहां चले गए थे बाकी 64 के बाद ये रहा। ये रहा, रहा। अगला प्रश्न देखो किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं दो अभिकारक मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा उत्पाद बनाते हैं कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट यानी कि दो अभिकारक हैं जिस तरीके से मैंने कहा ए प्लस बी दो अभिकारक हैं मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा एक उत्पाद बनाएंगे जैसे दो क्या है ये ए प्लस बी क्या है आपके पास रिएक्टेंट है अभिकारक को क्या बोलेंगे रिएक्टेंट और ये क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटे उत्पाद बना रहे हैं क्या बना रहे हैं बेटे उत्पाद बना रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी डिकम्पोजिशन होगी डिस्प्लेसमेंट होगी या दवी विस्थापन होगी दवी विस्थापन भी नहीं हो सकती है डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो सकती है डिकम्पोजिशन भी नहीं हो सकती है कौन सी होगी सर कॉम्बोनेशन होगी कौन सी होगी सर कॉम्बिनेशन होगी संयोजन अभिक्रिया होगी कौन सी अभिक्रिया होगी संयोजन जैसे हाइड्रोजन में आपने ऑक्सीजन मिलाया तो उत्पाद क्या आ गया सर एच टू आ गया आपके पास कॉम्बिनेशन हुआ एच टू ओ आ गया तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा सही उत्तर रहेगा कॉम्बिनेशन अभिक्रिया रहेगा आपका राइट आंसर हाँ बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगा तो कॉम्बिनेशन क्या है बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट right आंसर है ठीक है चले अगले प्रश्न की तरफ अगले प्रश्न की तरफ बढ़े फटाफट फड़ से बताइए समझ आ रहा है क्या सभी विद्यार्थियों को देखो एक और भाई आ गया है गेमर वाइटी ये तो बहुत प्यारा स्टूडेंट है भाई अपना गेमर भाई वाला ये कब भी मैं इसको पढ़ाता हुआ दिख जाऊं इसको बड़ी समस्या होती है मैं आप हूं अच्छा आप बताइए गेमर भाई साहब क्या हाल है आपके गेमर जी कह रहे हैं के गंजे भाई बहुत बढ़िया आप बताइए बिल्कुल मजे में कट रही है अपनी तो और आप जैसे बच्चे जब दर्शन दे देते हैं अब ये देखो ना यार कि कितनी समस्याएं होती हैं लोगों को मैं जब भी इस बच्चे को दिख जाता हूं तब ये कमेंट करता है गजब लाडले अरे वाह भाई वाह ललित जांगड़ा गुड इवनिंग भाई अब चाहने को तो एक मिनट लगता है मैं एक बटन दबाऊ वहां से ब्लॉक्ड लाइफ टाइम कॉमेंट नहीं कर पाएगा लेकिन मुझे ऐसे चाहिए अमित एक घंटे में बीस क्वेश्चन नहीं करवाता हूं मैं एक घंटे में मेरी क्लास में बीस क्वेश्चन कभी भी नहीं होते एक क्वेश्चन के पीछे मैं दस से पंद्रह क्वेश्चन करवाता हूं जितने विद्यार्थी आपके सामने लाइव चल रहे हैं पूछ लो आप किसी से अगर हमारा बैच चाहिए तो रोजगार बैच है एग्जाम मंच एप्लीकेशन पे एमसीक्यू स्पेशल ठीक है जी तुम्हारे संस्कार जो है ना बेटा तुम्हारे संस्कार ये डिसाइड करते हैं कि तुम क्या कर सकते हो जिंदगी में एक परसेंट तुम में मैं कहता हूं मतलब अपने मम्मी पापा के संस्कारों का यहां परिचय देने आते हो क्या तुम बताओ अरे धन्य है वो लोग जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है भाई बहुत बहुत धन्यवाद और शिवाज सर आ गए हैं मैं आग्रह करूंगा कि एक बार आ जाए वो क्लास में संदीप सर एक बच्चा बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा यार इनमें बड़ा दीवाना है मेरा पिछले चार पांच दिन से दस दिन से हर एक क्लास में आता है और आकर के ना ब्लॉक नहीं करना सर ये कोई ना कोई दूसरे चैनल पर पाओगा दो सौ ढाई सौ रुपये लिए कमेंट करके अरे कोई ना सर चल नहीं तो सोता रहता है ऐसा तो बताया ना दियो को दे कर, दे मैं दे। यू कर दे वायरल करवा दो आप भी फेंक दू रियो मुन्ने वायरल कर दे फिर ठीक है अमन देख लिया इसका नाम में खतरनाक है कर दे घरवाले इसका नाम भी घुटोन पाए तो यू की तो कहूंगा भाई देखो थोड़ा सा है ना पेशेंस रखा करो और एक रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी है ना और रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो तुम अपने माता पिता के जो जीन है उनको भी क्यों बदनाम कर रहे हो सीधी सी बात है तुम्हारी दिक्कत नहीं है दिक्कत तो फिर घर वालों की होगी और सिखाने के लिए आते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को सिखाया जा रहा है तो एक दो बच्चे की वजह से सर मैं तो बोलता हूँ इतने बच्चों को कुछ भी ना बोलो है ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई अभी जो है ना सुखबीर सर की क्लास होगी और ब्लॉक व्लोक हम करते नहीं है किसी को ठीक है तुम्हारा मन करे जो जो तुम्हें बोलना हो बोलते रहना और बाकी जे इतनी हिम्मत तो फिर शाम ही आके बोलना पड़ेगा भाई ठीक है रेड स्क्वायर मार्केट में हाँ बिल्कुल इशार में जे सुतरी डाढ़ बोलना है तो बिल्कुल शाम ही आके बोल सका है फिर से तू गंजा कह लिए और कीमे कह लिए ठीक से चल कोई ना अब देखिएगा मेरे भाई हम बात करेंगे सुखबीर नैन जो सर है ना वो अब आपको मैथ की क्लास देंगे और मैं एक बार लगा लेता हूँ पीपीटी और रात को अपनी क्लास होगी मेरे बच्चों रात को अपनी सात बजे से क्लास होगी बड़ी प्यारी सी क्लास है हरियाणा जिक्के के लिए आप लोग ज्वाइन करना ठीक है और हरियाणा जिक्के के साथ साथ हम ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे सभी को राम राम भाई एक बार सारे के सारे जो बच्चे हैं ना वो सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा और कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी है ना आप सभी जानते होंगे कि कल आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया क्लास नहीं हो पाई क्योंकि जो कनेक्शन था इंटरनेट का वो सही से काम नहीं कर रहा था और एक बार सारे के सारे जो बच्चे हैं वो सुखबीर सर की जो इस क्लास को ज़बरदस्त ढंग से शेयर करके आएंगे अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक जो भी आप जहां पर पोस्ट करना चाहें एक बार लिंक का शेयर करके आइएगा और अभी सर आप लोगों को मैथ्स की जबरदस्त क्लास देंगे उसके बाद मेरे बच्चों सोनू सर आप लोगों को इंडिया जीके कवर कराएंगे और शाम को मैं आप लोगों को मिलूंगा इंडिया जीके और हरियाणा जीके के साथ ठीक है तो रात को नौ बजे तक कल वाली कसर जो है ना आज पूरी करेंगे बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन जानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करवाने वाला हूं ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों आपस में नहीं लड़ना और तुम भी नहीं बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ये तो सर है वरना तो मैं इतनी देर तो लगाता ही नहीं इग्नोर करने में ठीक है अब या कोई मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है कि मैं इसने इतना मनाऊंगा आखिर ना बोल लिया कर तू गलत ना वाह करा कर तू गलत ठीक है तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसका सिस्टम तो अपना है ठीक है टेंशन ना लो तो तमें अरे तमाम आपस में लड़ाया ना करो या एक दो बीच में हो है दूसरे यूट्यूब चैनल आते ले जाए पी और बीच में कमेंट करे जाए ताकि बच्चों का ध्यान भटके बच्चों का ध्यान भटकेगा तो उनकी तैयारी भटकेगी और तैयारी भटकेगी तो सीधी सी बात है बच्चों का ही लोस होगा तो ऐसे ऐसे जो बच्चे होते हैं ना इनको इग्नोर मारा करो तुम ठीक है क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म है यहाँ पर सभी को स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार है चाहे वो गाली दे चाहे वो राम राम करे नमस्ते करे कुछ भी करे ठीक है चलेगा मेरे बच्चों बहुत शानदार ढंग से आप लोग सेशन को शेयर कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं और इसी के साथ सुखबीर सर आपसे मिल रहे हैं ठीक है जय हिंद मेरे प्यारे साथियों कैसे हो आप सभी भाई <coughs> कैसे हो मेरे बच्चों फटाफट से कमेंट करिए भाई जय हिंद सभी को नमस्कार हेलो राम राम भाई सबको कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे एक बार कमेंट कर दीजिए भाई कैसे हो आप लोग और करते हैं फिर हमारा बहुत ही बेहतरीन सेशन स्टार्ट बिल्कुल भाई रेड स्केयर में कौन सी कोचिंग सेंटर है बच्चे एग्जाम मंच है अपना कोचिंग सेंटर का नाम भी और अपने अप्लीकेशन ना ना ठीक है मेरे भाई जय श्री श्याम ओके भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग आ जाओ मेरे बच्चों सारे के सारे करते हैं हमारा आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट बच्चों और मोक टेस्ट नंबर पाँच है मेरे बच्चों हमारा आज ये जो हम पढ़ रहे हैं चार टेस्ट इससे पहले हम लगा चुके हैं मेरे बच्चों और मुझे उम्मीद है कि हंड्रेड परसेंट आप लोग कुछ ना कुछ गेन कर रहे होंगे देखिए बच्चों जैसे कि सर ने भी अभी बताया एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ वैसे तो सर ने बहुत कुछ बोल ही दिया बच्चों आप लोगों को एक रिस्पेक्ट होती है मेरे प्यारे बच्चों हर चीज़ की हर एक पद की एक गरिमा होती है मेरे बच्चों आप लोग कैसे भी हो हम लोग कैसे भी गंदे हैं कितने भी हमारे अंदर कमियाँ रहेंगी बट मेरे बच्चों अगर आप लोगों के सामने खड़े हैं ये मार्कर लेके खड़े हैं बोर्ड के ऊपर खड़े हैं देन हंड्रेड परसेंट मेरे बच्चों आपका ये फर्ज बनता है कि आप थोड़ा सा इस पद की रिस्पेक्ट करो एक पर्सनली किसी बंदे की मत करो बट एक जो उहदा है हमारा कम से कम उसकी तरफ थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान दे के ना थोड़ा सा सोच मुझे कमेंट किया करो भाई ठीक है ये इसमें आपका ही है मेरे बच्चों क्या है कि आपकी ही रेपुटेशन होगी अभी आपका नाम आएगा ये नाम है इसने ऐसा बोला कुछ आना जाना नहीं है मेरे भाई राम राम नरवाना से राम राम पायल मोर राम राम भाई गुड मॉर्निंग सर जी राम 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 जय हिंद मेरे बच्चों सारे सारे के फटा फटाफट से भाई ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखो प्यारे बच्चों अपना क्या लेके जाना है यार यहाँ से कुछ लेके नहीं जाना मस्त लाइफ जियो खुश रहो खुश रखो सबको मौज मारो बोले सच्चे दरबार की जय हो बच्चों ठीक है ना करते हमारा आज का सेशन स्टार्ट क्या बात है बड़े अच्छे तरीके से स्वागत किया बच्चों आप लोगों ने काफी संख्या में दिल भेज रहे हो नमस्कार भेज रहे हो सर इनके कौन नहीं समझ आंदी पुन्नू कह रहा है भाई कोई बात नहीं बच्चे नहीं समझ में आती एक लाइफ का फेज ऐसा आएगा मेरे बच्चों जब कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा बट जब समझ में आएगा ना तो ये सिचुएशन नहीं रहेगी मेरे बच्चे ना ही ये कंडीशन रहेगी मतलब ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं तब सिर्फ यही होगा कि देखो यार किसी ने सही बोला था कि क्या से क्या होगा भाई लंका लग गई हमारी ठीक है ना लग जाएगी मेरे बच्चों लंका किसी दिन ठीक है आ जाइए आज का पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों एवरेज वाले टॉपिक का क्वेश्चन है देखिए फटाफट से क्लास को एक बार शेयर सारे के, सारे बिल्कुल बिल्कुल पूरे के, पूरे के बीच में ऐसे कर सकता है तो अकेला तो क्या ही नहीं कर सकता होगा बच्चों घर पे तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं इसकी फितरत है समझ जाएगा बच्चा है अभी कोई चक्कर नहीं मेरे बच्चों सैल्यूट है मेरे भाई आप सबको हाँ जी करते हैं मेरे बच्चों काम स्टार्ट आज का कहते और उसके दोस्त हैं बच्चों पी और उसके फ्रेंड हैं मेरे बच्चों कितने फ्रेंड हैं उसके चार दोस्त हैं मेरे बच्चों उसके चार फ्रेंड हैं बच्चों पी और उसके तीन दोस्त हैं मेरे भाई ठीक है उनका जो एवरेज वजन है मेरे बच्चों पचपन किलोग्राम तो एक तो पी हो गया तीन उसके दोस्त हो गए यानी तो टोटल चार बंदे हो गए मेरे बच्चों कितने बंदे हो गए चार बंदे हो गए और इनका जो एवरेज है ना बच्चों वो पचपन है इसका मतलब कि उनका जो टोटल वेट रहा होगा मेरे भाई वो कितना रहा होगा दो किलोग्राम रहा होगा बच्चों

पी और उसके तीन दोस्तों का एवरेज पचपन है यानी पचपन गुनाचार दो सौ बीस हो गया बच्चों दो सौ बीस हो गया हाँ ऑप्शन से कर दिया गया किसी बच्चे ने ऑप्शन से चौवन अठावन चौवन अठावन कह रहे हैं भाई कोई कोई बात नहीं देख लेते हैं बच्चों अब तुम चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो अब देखिए तीन दोस्त कितने होंगे मेरे भाई मुझे मालूम है कि ए बी और सी ए बी और सी की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी मेरे बच्चों वो रही होगी दो सौ बीस माइनस पी दो सौ बीस माइनस पी ये उसकी उसका जो टोटल ए बी सी का टोटल आ जाएगा भाई क्योंकि चार पी को इंक्लूड करके मेरे बच्चों दो सौ बीस है तो इन तीनों का कितना हो जाएगा दो सौ बीस माइनस पी तो मैं इनके जगह पे लिख सकता हूँ मेरे बच्चों दो सौ बीस माइनस पी माइनस पी अपोन थ्री अपॉन थ्री और प्लस में क्या है मेरे बच्चों फोर प्लस में फोर इज इक्वल टू पी तो इस चार को मैं उधर लेके चला जाऊँ p माइनस फोर हो जाएगा p माइनस फोर हो जाएगा अब क्या करूँ इस तीन को भी उधर लेके चला जाऊँ बच्चों इस तीन को भी मैं यहाँ आया देखो इसको भी यहाँ लिया तो यानी ये बचेगा मेरे पास दो सौ बीस माइनस पी इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों थ्री पी माइनस के बारह ठीक है बच्चों तीन पी को इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ यानी माइनस पी और माइनस तीन पी यानी कि ये बन जाएगा माइनस का चार पी माइनस का चार पी हो जाएगा बच्चों और इज इक्वल टू आएगा कितना माइनस दो सौ बत्तीस माइनस दो सौ बत्तीस आउट कर दूंगा मेरे बच्चों और पी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी दो सौ बत्तीस बटे चार दो सौ बत्तीस बटे कि मेरे प्यारे बच्चों अट्ठावन किलोग्राम इसका वजन आ जाएगा भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों बहुत सिंपल भी था और क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछ रखा था सिंपल सा भी क्वेश्चन था बच्चों अब तुम्हें मैथ की क्लास से इसलिए कोई नफरत है क्या मुझे पहले तो ये बता दो भाई तुम थोड़ी देर में आते हो सर मैं चाय का टाइम हो गया मेरा तो बीस बच्चे चले गए कम से कम एटलीस्ट बीस बच्चे भाग गए मैथ की क्लास आती है मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती क्या तुम लोगों को ये बताइए बच्चों या मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगता भाई मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या फिर मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं है मेरे बच्चों ये बता दो बाई ऑप्शन बताता हूँ देखिए इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कैसे कर सकते हो तुम ये तो समझ में आ गया होगा देखिए चार बंदे हैं पचपन की एवरेज मेरे बच्चों टोटल दो सौ बीस आ गया अब हमने क्या करा दो सौ बीस हमें मालूम है मेरे भाई पी की जो पी का जो वेट है ना बच्चों वो तीन की एवरेज अब जो ये ए बी सी तीन बच गए इन तीन का एवरेज कितना होगा बच्चों तीनों को जोड़ के तीन से डिवाइड कर देंगे ये एवरेज आएगा इसमें चार जोड़ दूंगा तो वो पी के बराबर आएगा मेरे भाई वो पी के बराबर आएगा ठीक है वो पी के बराबर आएगा अब बराबर आएगा तो क्या करा मैंने इस चार को उधर लेके ले चला गया मैं प्लस का चार था उधर माइनस का चार हो गया यानी कि ये बन गया मेरे बच्चों यहाँ से माइनस का चार यानी माइनस का पी माइनस फोर हो गया बच्चों इस तीन को मैं उधर लेके ले जा रहा हूँ यानी मल्टीप्लाई खा जाएगा गुणा कर दिया मैंने ये आएगा यहाँ से ये आएगा बस इधर उधर लेके पी को कर देंगे ऑप्शन से कैसे करेंगे बच्चों टैकल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ठीक है भाई चलो और जिसको जाना और चले जाओ मेरे भाई जिसको और जाना है मतलब तुम यही चाहते हो कि सर का जी उतर जाए आता ही सबसे पहले ना कमाल कर रहे हो तुम लोग चलो कोई बात नहीं बच्चों सैल्यूट आप लोगों को फिर से दिल से सैल्यूट है मेरे बच्चों आपको अगर पढ़ने वाले दस बच्चे भी मेरे पास रहेंगे तो बच्चों में पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा भाई बहुत बेहतरीन सारी की सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें बताऊंगा पॉसिबिलिटी आपको कितना रिस्पेक्ट करते हो वो तुम तो बिल्कुल हर रोज़ मुझे एहसास करवाई देते हो कितना इज्जत करते हो तुम लोग देखना भाई अट्ठावन किलो अगर मेरे बच्चों मैं मान लेता हूँ पी का वेट है सुनना मेरी बात को ध्यान से तो मुझे मालूम है जो बाकी तीन बज गए बाकी तीन बज गए बच्चों उनका एवरेज कितना होगा उनका एवरेज फिफ्टी फोर होगा बच्चों एवरेज चम्बन होगा क्योंकि ये क्लियर शब्दों में बोला है पी जो है वो अपने तीन दोस्तों के एवरेज से चार किलोग्राम ज्यादा है अगर मैं पी मानता हूँ मेरे बच्चों सेवेंटी कितना है मेरे पास पी की वैल्यू कितनी है फिफ्टी है तो जो तीन है बच्चों वो इससे चार कम है एवरेज इस ये टोटल ज्यादा था बच्चों तो ये तीन से मल्टीप्लाई करो इसको तीन अट्ठे चौबीस सॉरी तीन चौके बारह सोलह और ये था बच्चों अठावन अब जोड़ के देख लो क्या ये कंडीशन दो सौ बीस पे सेटिस्फाई कर रही है बच्चों बिल्कुल कर रही है भाई यही तो हमारा आंसर आ गया बच्चों इस टाइप से तुम इस क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो मेरे बच्चों ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन को तुम लोग कर सकते हो भाई ऑप्शन के साथ तुम लोग कर सकते हो मेरे बच्चों ठीक है बिल्कुल भाई ऑप्शन तुम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चों क्वेश्चन का उत्तर निकाल सकते हो सर हम तो करते थे नॉलेज ओके सर मैंने तो आपकी क्लास जरूर लगाती हूँ जय श्री श्याम आपने परसों भी कमेंट किया था बच्चे की मैथ कम समझ में आता है गुड़िया कोई रीजन तो बताओ कम से कम एक कारण ये बता दो कि सर इस वजह से मैथ कम समझ में आ रहा है मुझे सर की ये प्रॉब्लम है भाई आप मुझे मेरी प्रॉब्लम डायरेक्ट मुझसे ही बोलना करो ना बच्चो कहां दिक्कत आई है कहां समझाने में दिक्कत आई है या कहाँ दिक्कत आई है एटलीस्ट कम से कम ये तो बताओ कमेंट में करके कि सर मैथ में यहां इस वजह से मुझे दिक्कत आ रही है ये वो मेरे कारण दिक्कत आ रही है या तुम्हारे खुद के वजह से कोई दिक्कत आ रही है बच्चों ठीक है क्योंकि जब तक बताओगे नहीं तब तक मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा बच्चों और कोई अदर पार्टी मुझे बताएगी कि आपके समझ में नहीं आया मैथ बच्चों को तो फिर मुझे उससे कोई मतलब मजे वाली बात नहीं होगी बच्चों ठीक है फेस टू फेस बताइए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों चलिए पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ पहला क्वेश्चन मुझे लगता है ऑप्शन से भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को और मेरे बच्चों बिना ऑप्शन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया ललिता बहुत बढ़िया गुड इवनिंग बच्चे गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों सभी को गुड इवनिंग भाई अगला क्वेश्चन आ जाइए एक क्वेश्चन और करते हैं मेरे बच्चों फटाफट से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं मेरे बच्चों आ जाइए एक क्वेश्चन और करते हैं भाई बहुत बेहतरीन बच्चों सर प्रॉब्लम आपकी नहीं है हमारी ही मैथ कमजोर है एक्सप्लेन किया करो बच्चों जब आप कमेंट कर रहे हो ठीक है थोड़ा सा उसके बारे में बोला करो साथ में लॉजिक बताया करो सर इस वजह से दिक्कत आई है ठीक है ना अदरवाइज हमें क्या है कि हमें तो जवाब देना होता ही है मेरे भाई कहाँ दिक्कत आ रही क्यों दिक्कत आ रही चलिए कोई बात नहीं दो संख्याओं का एलसीएम होता है बच्चों उनके एच का छप्पन गुणा है भाई ठीक है देखो एलसीएम जो एच सी का छप्पन गुणा है तो मेरे बच्चों मैंने मान लेता हूँ एच मान लिया कि दो संख्याओं का एक्स तो इनका अगर मेरे बच्चों में एल्शियम करूंगा तो एल्शियम जो छप्पन गुना है कि वो फिफ्टी सिक्स एक्स हो जाएगा भाई फिफ्टी सिक्स हो जाएगा छप्पन गुना हो जाएगा बच्चों कहता है एच सी और एल्शियम का जो समय है ना बच्चों वो सत्रह सो दस है बच्चों तो मैं इनको जोड़ दूंगा कितना बनेगा एल्शियम और एच एफ का जोड़ सत्तावन एक्स इज इक्वल टू बच्चो सत्रह सो दस एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से बड़, बड़े बड़े आराम से निकाल दूंगा, दूंगा बच्चों एक सौ इकहत्तर जीरो बटी में सत्तावन उन्नीस से कैंसिल हो रहा है मेरे ख्याल में तीन से कैंसिल हो ही रहा है पूरा पूरा तीस पे कट जाएगा बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई तीस तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करने लग जाऊं ना बच्चों इसको अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करने लग जाऊं तो मुझे मालूम है एक्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी बच्चों तीस आ रही होगी और छप्पन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तीस मल्टीप्लाई में तीन छके अठारह एक पंद्रह और एक सोलह सौ अस्सी तो ये मेरे बच्चों क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो चुका है ठीक है यहाँ तक क्वेश्चन हमारा हो गया अब यहाँ से एक फार्मूला आता है बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी देखिए एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एल्शियम मल्टीप्लाई में एच सी एफ पहली संख्या, संख्या बराबर गुणा में HCF मेरे बच्चों हाँ, ये हमारा फार्मूला होता है भाई ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों ज्योमेट्री करतार सिंह नहीं आएगी बच्चे आपके पेपर में टेंशन मत ले तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा भाई ज्योमेट्री का, का नहीं आएगा बच्चे नेक्स्ट देखिए भाई ठीक है अभी करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व तो पहली संख्या कितनी है हमारे पास बताना पहली संख्या कितनी है बच्चों पहली संख्या 240 दे रखी है भाई 240 और दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम मान लेता हूँ एक्स से बच्चों इज इक्वल टू क्या आएगा एलसीएम मल्टीप्लाई में एच एफ एल्शियम कितना है अपने पास तीस एच सी एफ कितना है बच्चों सोलह सौ अस्सी तो उधर लेके चले इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ या दो मान लो एक्स क्या मान लो सेकंड ही रखो इसको तीस गुना में सोलह सौ अस्सी अपॉन कितना आएगा बच्चों दो सौ चालीस दो सौ चालीस कैंसिल कर देंगे बच्चों आठ से आठ दो सोलह और आठ एक कम आठ यानी कि दो सौ दस तो जो दूसरा दूसरी दो संख्या होगी ना बच्चों अपनी वो हो जाएगी दो सौ दस इस क्वेश्चन का हमारा प्यारा सा उत्तर आएगा बच्चों दो सौ दस टू वन जीरो दो सौ दस मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा भाई राम राम राठी साहब भाई राम राम हाँ जी ओके भाई ठीक है जितना तुम्हें करवाया गया है मेरे बच्चों बैच में भी और अभी यूट्यूब पे जो करवा रहा हूँ इसको अच्छे तरीके से करते रहो आप लोग फालतू बड़कबाजी लेने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों किसी को भी एक परसेंट भी बड़क लेने की जरूरत नहीं है भाई गीत सैनी योग्यता ओके बहुत बेहतरीन बच्चों बहुत, बहुत गजब दो सौ दस भाई दो सौ दस बहुत अच्छे बच्चों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आ गया बच्चों इस क्वेश्चन के भी मैं तुम्हें दो मेथड बताऊंगा मेरे बच्चों दो तरीके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के दो तरीके ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाए मेरे बच्चों देखिए हमें कहा गया है ए और बी की जो मासिक आय है उसका रेशियो प्यारे बच्चों ग्यारह रेशो तेरह है ग्यारह अनुपात तेरह है भाई ठीक और उनके जो खर्च है बच्चों उसका रेशियो है नौ रेशो ग्यारह दोनों प्रति महीने चार हजार रुपये की सेविंग करते हैं तो बताइए बच्चों उनकी जो इनकम है उसका डिफरेंस कितना होगा उनकी जो इनकम है मेरे बच्चों उसका डिफरेंस कितना होगा उसका डिफरेंस कितना होगा क्लास पसंद नहीं आ रही बच्चों आप लोगों को भाई कोई नहीं मैं मंडे से बंद कर देता हूँ मैथ की क्लास ठीक है मंडे से मेरे बच्चों मैथ की क्लास बंद कर देंगे भाई अब तुम्हारा मन ही नहीं है तो मैं क्लास देखने का तो फिर में क्यों जबरदस्ती कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ चलिए भाई आज तो चलो हो गई क्लास तो अब तो करते ही काम अपना चलिए ए और बी के जो मासिक आए हैं बच्चों वो ग्यारह रेशो तीन है देखिए सबसे पहले एक फार्मूला आता है यहाँ पे आय में से अगर हम लोग मेरे बच्चों बचत को माइनस कर देते हैं आय माइनस बचत इज इक्वल टू होता है पेरे बच्चों खर्च ये हम सबको मालूम है बच्चों ये हम सबको मालूम है ये फार्मूला मान लेता हूँ कि मैं कहता हूँ अगर मेरी इनकम मेरे बच्चों बीस रुपये है और मैं उसमें से बारह रुपये खर्च कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बचा कितने रहा हूँ आठ रुपये बचा रहा हूँ ना भाई बिल्कुल आठ रुपये बचा रहा हूँ मेरे भाई मैं ठीक है हाँ जय श्री राम अंकिता बीस रुपये अगर मेरे बच्चों मेरी इनकम है और मैं उसमें से क्या करता हूँ आठ रुपये बचाता हूँ इट मीनस मैंने खर्चा कितना कर दिया मेरे बच्चों बारह रुपये का अब यही है इस चीज देखो दो ए और बी का जो रेशियो है बच्चों है तो मैं पहले एक सिंपल तरीका लेता हूं तुम्हें तो जो पूरा है अभी क्या है इसमें कुछ अलग ट्रिक भी लग सकती है बच्चों बट एक टाइप ऐसा ऐसा भी आएगा क्वेश्चन आता है कई बार जहां पे ट्रिक काम नहीं करती मेरे बच्चों हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को ही इस मैथड से करना होता है ठीक है इस मैथड से करना होता है नहीं सर बंद मत करना करना ही पड़ेगा मेरे बच्चों कोई ऑप्शन नहीं अब तुम देख लो भाई सो बच्चे थे सो में से पचास पे आ गए तुम अभी कुछ देर पहले सौ बच्चे देख रहे थे अभी तुम पचास पे आ गए हो तो मतलब ये एक मजे वाली बात नहीं है भाई ना जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मुझे क्लियर पता चल गया मेरे बच्चों आप लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो मैथ्स की क्लास से तो मैथ्स की क्लास बच्चों नहीं करेंगे कोई इशू ही नहीं है एक परसेंट इशू नहीं है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मान लेता हूँ मेरे भाई मैं इनकम जो हो ए और एक साइड लिख दिया मैंने बी ए और बी ले लिया मेरे बच्चों मैंने ठीक है ए जो है वो कितना ग्यारह इसकी इनकम है ग्यारह एक्स मान ली बच्चों मैंने और बी की जो इनकम है मेरे बच्चों वो तेरह एक्स मान ली मैंने ठीक है ये मैंने दोनों की इनकम है दे रखी है एक का रेशो ग्यारह है एक का रेशो तेरह है तो मैंने सिर्फ एक्स लगा दिया पीछे एक ग्यारह एक्स हो गया दूसरा तेरह एक्स हो गया और जो बचत कितनी करते हैं बच्चों चार हजार रुपये की तो दोनों वो चार चार हजार रुपये की मेरे बच्चों बचत कर रहे हैं चार चार हजार रुपये की मेरे बच्चों बचत कर रहे हैं ये तरीका मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए बच्चों तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी आराम से कर सकते हो तुम लोग ठीक है इस प्रकार का मेरे बच्चों क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो देखिए अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा बच्चों तो इज इक्वल टू कितना लेके चला जाऊंगा यही जो है इनकम माइनस सेविंग इनकम माइनस सेविंग आएगा मेरे बच्चों खर्चे के बराबर और खर्चे का रेशियो है नो रेशो ग्यारह यानी कि इसको लिखूंगा बच्चों नो बटे ग्यारह बस यहाँ से मैं सिर्फ क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा काम बन जाएगा बच्चों सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है इसको ग्यारह गुना ग्यारह कितना हो गया एक सौ इक्कीस एक्स माइनस ग्यारह चौके चवालीस चवालीस हजार रुपये इज इक्वल टू बच्चों तेरह निम्न एक सौ सत्रह एक्स और माइनस छत्तीस हज़ार माइनस छत्तीस हज़ार बच्चों ठीक है इसको इधर ले आए चार एक्स बच गया उसको इधर ले गए मेरे बच्चों टोटल हो गया आठ हज़ार वो प्लस का हो जाएगा इधर जाके आठ हज़ार हो जाएगा तो यानी एक्स की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों दो हज़ार एक्स की वैल्यू होगी दो हज़ार बस दो हज़ार से मल्टीप्लाई कर दो ग्यारह दूड़ी बाईस ग्यारह दूड़ी बाईस यानी कि एक ही जो इनकम है मेरे बच्चों वो कितनी आ गई बाईस हज़ार रुपये एक ही जो इनकम है बच्चों वो कितनी आ गई बाईस हज़ार रुपये बाईस सौ रुपये क्या बाईस क्या गड़बड़ कर दिया अच्छा अंतर बताना कोई बात नहीं चलिए बी की इनकम देख लेते हैं बच्चों बी की इनकम कितनी है भाई तेरह गुना में दो तेरह दूनी छब्बीस हजार तेरह दूनी छब्बीस हजार बच्चों बस तो दोनों का देख लो डिफरेंस कितना आएगा बच्चों डिफरेंस दोनों का चार हजार आ जाएगा यही हमारे क्वेश्चन का मेरे बच्चों उत्तर होगा यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर मेरे बच्चों होगा चार हजार रुपये चार हजार रुपये जो है हमारा उत्तर हो जाएगा भाई बहुत बढ़िया बच्चों शब्पास नमस्कार भाई नमस्कार हरीश राठी ठा लिया भाई पता नहीं, नहीं सर ओके चार हज़ार आंसर आ गया बहुत बढ़िया बच्चों बहुत गजब बहुत बेहतरीन भाई ठीक है मैं मेहनत अगर कर रहा हूँ बच्चों तो तुम लोगों को एहसास होना चाहिए इस चीज़ का भाई ठीक है अब ऐसा नहीं होता कि एक क्लास में लाई तुम इतने ज़्यादा बच्चे हो रखे हो अगली क्लास में एकदम से डीमोटिवेट कर देना मतलब ऐसा कहाँ होता है ऐसा है ना मुझे तो ऐसा कभी नहीं होता था मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ भाई तुम थोड़ा सा बुलाओ बच्चों बोलो सबको भाई कि थोड़ा सा आया करो क्लास में तुम्हारा लॉस क्या मैं तो मेरा ही लॉस कर रहा हूँ मेरे भाई पेपर तो मुझे भी देना है पेपर तो मुझे भी देना भाई सी डी ग्रुप की तैयारी में खुद भी टीच कर टीच करने के साथ साथ स्टडी भी करता हूँ बच्चों अब मैं अगर छः घंटे सात घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूँ टोटल मैटर बनाना टाइप करवाना सारा करेक्शन देखना फिर सोल्व भी करवाना तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई मैं कुछ पैसे बन रहे हैं मुझे यहाँ से ठीक चलिए भाई आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इसका देखो ये डिटेल मेथड बच्चों अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसको तो तुम दिमाग में छाप लो इसको अच्छे तरीके से इस तरीके को ना बच्चों दिमाग में तुम छाप लो अच्छे तरीके से इसको छाप लो अब मैं तुम्हें इसका एक डायरेक्ट ही मैथड बता हूँ देखना मेरे भाई डायरेक्ट मेथड बताता हूँ भाई कैसे बताता हूँ देखिए तुम बिल्कुल सेकंड में क्वेश्चन को खत्म कर दोगे बच्चों सिर्फ दो चार सेकंड में क्वेश्चन को खत्म कर दोगे देखना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों इनकम कितनी है मेरे भाई इनकम कितनी है बच्चों इनकम का रेशियो है उनका ग्यारह रेशियो तेरह ग्यारह और तेरह और उनके जो एक्सपेंडिचर है बच्चों खर्च है उनका उसका रेशियो मेरे बच्चों कितना है नो रेशो ग्यारह नो रेश अब देखिए अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं मैंने कहा कि ग्यारह रुपए कमाए हैं नौ रुपए मैंने खर्चा लगा दिया बच्चों तो मुझे बचाए कितने दो रुपए इसने भी कितने रुपए बचाए हैं मेरे बच्चों दो रुपए अगर ये सेविंग आपकी बराबर आ जाती है बच्चों अगर ये सेविंग आपकी क्या हो जाती है बराबर हो जाती है बच्चों तो यहाँ पे दो दो रुपए बचाए हैं बट एक्चुअल में कितने बचा रखे उन्होंने चार हजार रुपये तो मैं यहाँ से बड़े आराम से बोल दूंगा कि दो की जो वैल्यू है ना बच्चों वो किसके बराबर है चार हजार के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरे बच्चों दो हजार के बराबर आएगी एक की वैल्यू दो हज़ार आएगी तो बस दो से इनकम को मल्टीप्लाई कर दो भाई दोनों से इनकम से मल्टीप्लाई कर दो या इनका अंतर पूछा है देखो इसकी इनकम का और इसकी इनकम अंतर कितना आया बच्चों डिफरेंस दो आया मुझे मालूम है एक की वैल्यू दो हज़ार है बच्चों तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दो की वैल्यू चार हजार यानी यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ये ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन ये सीधी सी ट्रिक है कर तो, तो तुम इससे आराम से सकते हो बट हर जगह पे ना मेरे भाई ये अप्लाई नहीं होती बच्चों ये मेथड आपका बेस्ट है बच्चों बहुत गजब मेथड है चाहो तो इसको एक बार और समझा सकता हूँ अगर तुम कहो तो बट ये आपको आना ही चाहिए बच्चों देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ये देखो हो सकता है ये वैल्यू कहीं बराबर ना आए मेरे बच्चों ये जो चार चार हजार दे रखा है ये ना दे रखा हो अलग अलग हो तो कैसे करेंगे तो तो फिर ये जो जेनुअन मेथड है ना बच्चों ये सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए देखना मैंने क्या करा मैंने करा भाई रेशियो है ग्यारह और तेरह उनकी इनकम का बच्चों ठीक है इनकम का ग्यारह एक्स मान लिया इकह तेरह एक्स मान लिया दोनों की इनकम माइनस सेविंग ग्यारह में से चार चार घटा दिया ये आ गया नौ बटे ग्यारह यानी कि खर्चा का जो रेशियो दे रखा है वो नौ और ग्यारह दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है बच्चों कभी सोचो कि बहुत ज़्यादा ही कुछ लेंथी है गुरु जी राम 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 सुनीता भाई रिपीट कर दो सर दोबारा कर दिया मेरे बच्चे दीपक मैंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन को ठीक है सर जी आई ऑल्सो मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स क्या बात है भाई क्या बात है मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स सैल्यूट है मेरे भाई आपको बहुत बढ़िया और फिर भी आप क्लास देख रहे हो बच्चों बहुत अच्छी बात है भाई ऐसे होने चाहिए ना बच्चे थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट रखने वाले बच्चे होने चाहिए अपने टीचर के लिए थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आए माइंड में तुम लोग भाग जाते हो मैथ वाले सर को देखते ही पता नहीं मैथ से डर लगता है पता नहीं मैथ वाले सर की शक्ल अच्छी नहीं है भाई तो शक्ल ही अच्छी नहीं होगी मेरे को लगता है चलिए बच्चे एने एक मोबाइल फ़ोन को 25 परसेंट के लाभ पर बेचा और बी ने इसे 10 परसेंट की हानि पर बेच दिया यदि इसके लिए छप्पन इतने रुपए का भुगतान किया गया ठीक है बच्चों अच्छा ए कितना पैसा लगाया देखो बच्चों कहता है ए ने कोई मोबाइल खरीदा 25 परसेंट के लाभ पे बी को बेच दिया बच्चों और उस बी ने इसे सी को बेचा 10 परसेंट के लाभ तो 25 का प्रॉफिट है बच्चों इसको मैं लिखूंगा कितना लिखूंगा इसको लिखूंगा एक बटा चार और मेरे बच्चों दस परसेंट की अगर मैं लॉस की बात करूंगा हानि तो वो आएगा भाई एक बटा दस एक बटा दस यहाँ से एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम बच्चों मैंने फिट कर दिया दे, देखिए ये लिखता हूँ मैं स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू बच्चों शुरुआती कीमत और इधर लिखूंगा बच्चों में फाइनल कीमत फ़ाइनल प्राइस ठीक है फाइनल प्राइस ए ने अगर चार रुपये में ख़रीदा है बच्चों तो उसको एक के प्रॉफिट में बेचा है यानी ये बी को कितने में चिपका दिया वो पाँच रुपये में चिपका दिया और पी ने दस के यानी पी ने अगर वो मेरे भाई दस का खरीदा है तो ए बी सी भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे ए लिख दूंगा यहाँ पे बी लिख दूंगा और यहाँ पे सी अगर पी ने कितने का लिया है बच्चों वो दस का लिया है दस रुपये में तो उसने कितने का बेचा है मेरे बच्चों उसने सी को बेच दिया कितने रुपये में भाई हानि पर बेचा यानी कि नौ रुपये में बेच दिया अब बी का तो सेलिंग प्राइस सेम था ना बच्चों बी का तो जो कॉस्ट प्राइस है सॉरी वो क्या रहा होगा सेम रहा होगा तो मैं बी को सेम कर दूंगा यानी इसको मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी गुण हो जाएगा यानी कि ए ने वो कितने में खरीदा था मेरे बच्चों आठ रुपये में बी कितने में खरीद रहा है उसको दस रुपये में और सी कितने में खरीद रहा है मेरे बच्चों उसको नौ रुपये में ये ए के लिए ये बी के लिए और ये सी के लिए भाई तीनों के लिए उसका कॉस्ट प्राइस मेरे बच्चों आ गया तीनों के लिए उसका कॉस्ट प्राइस आ गया भाई नो सर शक्ल भी बहुत अच्छी है और मैथ भी बहुत अच्छा कराते हो तो मैंने तो आज तक इतना अच्छा कंटेंट नहीं देखा क्या बात है भाई अंकिता थैंक यू बच्चे थैंक यू एक मिनट में सिर पे बिठा देते हो ना और एक मिनट में तुम लोग नीचे मारो उठा के तहट देगी <laughs> देखना बच्चों ठीक है अब हमें क्या कहा गया है कि इसके लिए सी ने ना छप्पन रुपए का पेमेंट किया बच्चों यानी कि यहाँ से सी ने कितना पेमेंट कर रखा है नौ रुपए का और ये नौ की वैल्यू किसके बराबर है मेरे बच्चों छप्पन तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी नौ से डिवाइड कर दो तो इसको नौ छः के चौवन कितना बच रहा है दो नौ दो अठारह नौ पंजे पैंतालीस छह सौ पच्चीस रुपये एक की वैल्यू आ रही है मेरे भाई इसको छः आठ से मल्टीप्लाई कर दो यही पूछा था कि ए ने जो तो डाउन पेमेंट किया है वो कितना किया बच्चों आठ पंजे चालीस चार सोलह और चार बीस दो अड़तालीस और दो पाँच यानी कि पाँच हजार रुपये का पेमेंट उसने मेरे बच्चों किया है यानी ए ने इस मोबाइल के लिए बच्चों कितना पेमेंट किया है पाँच हज़ार रुपये का पेमेंट किया है बच्चों उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों बहुत गजब भाई बहुत गजब सिर्फ एक बच्चे का उत्तर आया अभी तक सिर्फ एक दो बच्चों का उत्तर एक का ही आया उसने दो बार कमेंट कर रखा है हाँ सिर्फ एक दो बच्चे का आंसर आया है और तुम लोग क्लास लगाने में इतने हिचकिचा रहे हो बच्चों बढ़िया कंटेंट बेहतरीन कंटेंट मेरे बच्चों बिल्कुल कम प्राइज़ में आप लोगों को मिल रहा है उसकी कदर कर लिया करो मेरे बच्चों कम प्राइज़ क्या फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है बच्चों हाँ चलिए भाई बहुत बढ़िया बच्चों बहुत गजब फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए ए ने कोई मोबाइल मेरे बच्चों के इसको बेचा बी को 25 परसेंट के प्रॉफिट में तो 25 का मतलब होता है मेरे बच्चों एक बटा चार इसका मतलब ए ने अगर वो ए चार रुपये में खरीदा है तो एक रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया यानी चार से खरीद के कितने में बेच दिया बी को पाँच में बेच दिया आप इसको तो खत्म कर ही दो तो मिनी से लगा दो छोड़ दो चक्कर ठीक है बच्चों अब क्या करा बी ने उसको सी को दस परसेंट का लॉस पे बेचा दस परसेंट का लॉस इट मीन्स मेरे बच्चों एक बटा दस यानी कि बी अगर उसको दस में परचेज करता है तो एक की हानि पर यानी नौ रुपए में बेच देता है बच्चों उसको नौ रुपये में बेच देता है भाई ठीक है अब मुझे मालूम है बी के लिए तो सेम रहेगा ना प्राइस बी के लिए तो एक ही रहेगा ऐसा तो है नहीं कि पांच में खरीदा या कह रहा है दस में मैंने इसको बराबर कर दिया तो इसको दो से मल्टीप्लाई ये भी दो से मल्टीप्लाई ए ने खरीदा होगा बच्चों आठ में बी ने खरीदा है दस में और सी ने खरीदा है उसको नौ रुपये में अब नौ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है छप्पन सौ पच्चीस दे रखी है एक की वैल्यू आएगी बच्चों छह सौ पच्चीस और छह सौ पच्चीस की मल्टीप्लाई जिसको साथ भी पूछेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे यही हमारे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा भाई यही हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अर्चना रानी मैंने दोबारा बता दिया मेरी बच्ची दोबारा मैंने बता दिया क्वेश्चन को बहुत ही आराम से मैंने क्वेश्चन करवाया है मेरे बच्चों बहुत ही आराम से मेरे बच्चों मैंने क्वेश्चन करवाया चलिए क्वेश्चन इस टाइप का तुम तुम करके दिखाओ भाई अभी एक क्वेश्चन बोल देता हूँ तुम लोग करके बताओ बच्चों ठीक है तुम लोग करके बताना इस क्वेश्चन को मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों इसको रफ कर देता हूँ मैं ठीक है इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे एक रकम लिख देता हूँ तुम लोग करके बताना देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर सही करेंगे भाई कितने बच्चे इसका आंसर सही करेंगे मेरे भाई कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं बच्चों देखिए जो चेंज करवाना है मैं वो चेंज कर देता हूँ ठीक है मैं वो चेंज कर देता हूँ मेरे भाई यहाँ पच्चीस की बजाय तुमने लिखना है मेरे बच्चों पच्चीस की बजाय लिख देना बारह सही एक बटा दो परसेंट एक बटा दो परसेंट और यहाँ पे लिख देना मेरे बच्चों इसकी जगह लिख देना तेतीस सही एक बटा तीन परसेंट की हानि तेतीस सही एक बटा तीन परसेंट की हानि ठीक है बच्चों और यहाँ पे तुम लोग लिख देना इसकी जगह पर लिख देना बच्चों इसके जगह लिख देना चौवन सौ रुपये चौवन सौ रुपये में मेरे बच्चों इसने खरीदा फटाफट से कमेंट में मुझे इसका आंसर दे दीजिए भाई ए ने कोई मोबाइल बी को बेचा साढ़े बारह परसेंट के प्रॉफिट में बच्चों और बी ने सी को बेचा है ते तेतीस सही एक बटा तीन परसेंट के लॉस पे लॉस पे और सी ने उसके लिए बच्चों चौवन सौ रुपये का भुगतान किया है डाउन पेमेंट चौवन सौ रुपये की है बताइए ए ने वह वस्तु मेरे बच्चों कितने में खरीदी होगी ए ने उस वस्तु को कितने में मेरे बच्चों खरीदा होगा भाई आरसी दत्तरवाल बहुत बढ़िया बच्चे आरसी है कि आर भाई ट्रैक्टर स्पोर्ट्स आराम आराम बच्चे आवाज बहुत सही आ रही है आवाज मेरे भाई। बहुत मैंने इसको अपने मुंह के बिल्कुल पास किया हुआ है और दूसरा चक्कर यह है कि अगर मैं कुछ ज्यादा ऊंचा बोल गया ना बच्चों तो, तो एक्चुअली मेरे है पेट में दिक्कत इन्फेक्शन वगैरह है तो बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों पेट के अंदर ठीक है ना तो इस वजह से मैं मतलब इतनी आवाज़ तो है बच्चों की मैं मेरे मोबाइल में सुन के देखा था बड़े अच्छे से आवाज़ आ रही थी बच्चों अगर तुम्हारे ईयरफोन में नहीं आ रही ना तो इसको निकाल दो एकदम तुम कहीं लाइब्रेरी में हो तो कहीं बच्चे पीछे बैठ जाओ जो रेस्ट रूम होता है ना अपना या बाहर बैठ जाओ कहीं पर थोड़ा सा जब तक ये क्लास रहे बच्चों कुछ ही नहीं अभी गर्मी वाली इतनी बात है नहीं भाई इस क्वेश्चन का उत्तर दो मेरे बच्चों फटाफट से सारे के सारे अदरवाइज करते हैं अपना काम स्टार्ट देखिए साढ़े बारह परसेंट का मतलब होता है मेरे बच्चों एक बटा आठ एक बटा आठ ठीक है और साढ़े तैतीस से एक बटा तीन का मतलब होता है मेरे बच्चों एक बटा तीन ये दो चीजें मैंने लिखी हैं मैंने क्या करा भाई देखो मैंने तीनों बंदों के नाम लिख दिए बच्चों ए बी और सी बच्चों ए और बी के लिए क्या बोला गया अगर ए ने उसे आठ रुपए में खरीदा है तो उसने बी को नौ रुपए में बेचा बच्चों यानी इसने आठ रुपए में खरीदा है ना मेरे बच्चों इसने कितने में बेचा बी को नौ रुपए में बेच दिया भाई और इसी प्रकार इसने इतने परसेंट का लॉस यानी अगर ये तीन रुपए में खरीद रहा है तो एक की हानि हो रही है उसको यानी कि वो कितने में बेच रहा है इसको दो रुपए में बेच रहा है बस मैंने इसी को बराबर करना है मेरे बच्चों इसी को तो मैंने बराबर करना था सेंटर वाली वैल्यू को बराबर कर दो बच्चों बी वाली जो वैल्यू है ना उसको बराबर कर दो यानी इसको क्या कर दूंगा यहाँ पे नो हो तो यहाँ पे नो होना चाहिए किससे गुणा कर देंगे बच्चों मेरे तीन से तो ये तो आठ ही आ गया एज इट इज़ ये कितना हो गया तीन तिया नौ और ये तीन से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे बच्चों ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि छः रुपये इसका मतलब मुझे फाइनली ये पता चल गया ए कोई वस्तु कितने रुपये की मिली है बच्चों आठ रुपये की को कितने की मिलेगी बच्चों नौ और सी को कितने की मिलेगी मेरे बच्चों छः रुपए में अब यहाँ पर तो छः मिल रही है बट एक्चुअली यहाँ कितने की मिल रही है उसको चौवन सौ रुपये में तो मैं कह दूंगा की छः की जो वैल्यू है ना मेरे बच्चों वो किसके बराबर है चौवन सौ रुपये के बराबर है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों एक की वैल्यू आ जाएगी नौ सौ रुपये और ए ने पूछा कितने में मिलेगी तो नौ सौ से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई इसको नौ अठे बहत्तर कितने बच्चों का सही उत्तर है भाई कितने बच्चों का उत्तर सही है बहत्तर सौ रुपये बताना बच्चों कितने मेरे बच्चों का उत्तर सही आया है भाई तिरतालीस हजार दो सौ गहरे ऑफिसियल इसके अंकित शर्मा का गीत सैनिका सिर्फ दो बच्चों का उत्तर सही आया है भाई अभी तक सिर्फ दो बच्चों का उत्तर सही आया अभी योगिता का आ गया करतार सिंह जय श्री श्याम दीपक बहुत बढ़िया मेरे भाई बहुत गजब बच्चों सही है आवाज़ सर हाँ भाई बिल्कुल आज सही है आवाज़ आज इसी दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों एक तो किसी बच्चे के मोबाइल में है तो थोड़ा सा रिफ्रेश करके दोबारा चला लो इसको ये शोधा का सबका आ गया दीपक गलत कर दिया मेरे बच्चे तूने मीत का सही आ गया अंगिता का सही आ गया बाकी अभी सभी बच्चों के उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं बिल्कुल गजब उत्तर आ रहे हैं बच्चों सबके चलिए भाई करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर अगले क्वेश्चन पर मेरे बच्चों आ जाइए करते हैं सोलह क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन को मेरे बच्चों सोल्व करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पढ़िए शापस एक बार सारे के सारे ट्राई करें बच्चों ट्राई करना मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को ए ने कोई काम मेरे बच्चों सोलह दिनों में पूरा किया और बी उसे बारह दिनों में पूरा कर सकता है बच्चों उन्होंने चार दिन तक साथ काम किया और फिर ए चला गया मेरे बच्चों ए चला जाता है ठीक है बी ने सेस काम अकेले पूरा किया है तो सेस काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे ये थोड़ा हल्का क्वेश्चन है बच्चों इतना ज, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि कुछ मुश्किल क्वेश्चन है भाई ओके है सर जी सारा सिस्टम बहुत बढ़िया भाई हाँ इसका उत्तर बता दो मेरे भाई क्या आएगा फटाफट से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए कितना आएगा बच्चों सभी के सभी बच्चों बता दो इसका उत्तर कितना आएगा भाई बहुत गजब मेरे बच्चों बहुत बेहतरीन भाई से बहुत बढ़िया बच्चों देखिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और बोलता हूँ इस टाइप का ठीक है वो बोल लूंगा मैं अभी करवाऊंगा इसके जस्ट बात ए किसी काम को कर सकता है मेरे भाई सोलह दिनों में और बी जो है मेरे बच्चों वो कर सकता है कितने दिनों में बारह दिनों में दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और चार दिनों तक साथ काम किया बच्चों तो यानी एल्शियम ले लो सबसे पहले तो एल्शियम कितना है फोर्टी एट यानी टोटल वर्क जो होगा बच्चों वो कितना होगा वो अड़तालीस होगा सोलह तीए अड़तालीस और बारह चुके अड़तालीस बच्चों यहाँ से मुझे कन्फर्मेशन हुई ए कितना काम कर सकता है मेरे भाई तीन काम कर सकता है और बी कितना कर सकता है मेरे बच्चों चार काम दोनों अगर काम पे लगेंगे तो सात तो काम करेंगे बच्चों दोनों अगर मिलकर काम करेंगे ना मेरे बच्चों तो कितना काम बन जाएगा सात काम बन जाएगा छ कुछ का नौ उत्तर आ रहा है कुछ का छ नौ छः नौ छः में कंपटीशन है भाई देखिए बच्चों तो अब मुझे एक बात बता दो कितने दिन तक सात काम किया इन्होंने चार दिनों तक मेरे बच्चों एक साथ काम इन्होंने किया है एक दिन में अगर सात करते हैं भाई तो चार दिन में कितना काम कर देंगे बच्चों अट्ठाईस काम कर देंगे अट्ठाइस काम कर देंगे टोटल काम कितना था मेरे बच्चों अड़तालीस अड़तालीस में से अट्ठाइस काम बन गया इसका मतलब है काम कितना पेंडिंग है भाई बीस काम पेंडिंग है मेरे बच्चों बीस काम मेरे बच्चों पेंडिंग है और किसने करना है वो बी ने करना है मेरे भाई ठीक है देखिए बच्चों बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया ये कहता है बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया काम समाप्त करने के लिए तो इसका मतलब शेष काम ही पूछ रहा है मेरे बच्चों ये ठीक है तो बी कितना कर सकता है डेली चार काम कर सकता है तो पाँच दिन लगेंगे मेरे बच्चों छः नौ कैसे कह रहे थे भाई तुम लोग नौ और छः कैसे कह रहे थे मुझे ये समझ में नहीं आया पाँच उत्तर आ रहा है बच्चों उसका तो पाँच तो ऑप्शन भी नहीं है अरे क्या ऑप्शन भी नहीं है पाँच तो ऑप्शन में कहीं गड़बड़ हो गई सोलह अड़तालीस हो गया तीनों चार सात चार दिन तक सात काम किया अट्ठाईस बीस बच गया अभी कौन चला जाता है ए चला गया काम छोड़कर तो बी ने पाँच उत्तर आएगा बच्चों ऑप्शन में है ही नहीं कोई भी ऑप्शन सेट नहीं है यहाँ पे पाँच उत्तर आएगा बच्चों उसका सारे के सारे धूल में लट्ठी मारो तुम लोग है अरे सब धूल में लठपेल रहे हो पांच सिर्फ एक बच्चे का उत्तर आया है मोनिका का आंसर पांच आया था भाई अभी सपना का आ गया आरोह का आ गया बच्चों अब तो काफी सारों को आ गया ना पहले नहीं आया था बट किसी। छे नौ छे नौ बच्चों नो ही आएगा देखिए इसने क्या कहा लास्ट की लाइन को पढ़ो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन दिनों तक का अरे भाई ठीक है रुको 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 सही है भाई क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं बच्चों आठ उत्तर आएगा आठ उत्तर आठ उत्तर आएगा क्या जबरदस्त माइंड गेम खेल लिया भाई अपने साथ मेरे को ही फसा लिया कोई बात नहीं क्या कहता है बच्चों काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किया बच्चों बी ने सिर्फ बी ने देखो चार दिन तो इन्होंने इकट्ठा काम किया था ये देखिए चार दिन तो इकट्ठा काम किया था बच्चों और पांच दिन बी को शेष काम में लग गई बिल्कुल सही कह रहे हो भाई तुम लोग तो टोटल नौ दिनों तक काम किया बच्चों बिल्कुल सही था भाई रही मैं मारो था दूड़ में लट यार तुम तो सही बोल रहे हो बच्चो नो उत्तर आएगा भाई नो उत्तर आएगा ठीक है ठीक है बहुत अच्छी लाइन थी बच्चों बहुत बढ़िया भाई बहुत बहुत गजब बहुत गजब सबसे पहले पांच आंसर दिया था सबका नौ देख के फिर नौ बोल दिया <laughs> ऐसा ही हो जाता है बच्चों कई बार कोई इशू नहीं है बहुत सारे बच्चे हो जाता है सर चार दिन पहले भी काम किया हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने में लास्ट के लाइन पढ़ने में थोड़ी सी कन्फर्मेशन में गड़बड़ हमारे रह गई बच्चों हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल नो ही आएगा बच्चों उसका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जनक वर्मा बहुत बढ़िया भाई शब्बा जय श्री श्याम सपना अमित अंकित जनक अर्चना दीपक जय श्री श्याम योगिता माही सबके बहुत बढ़िया उत्तर आ गए मेरे बच्चों बहुत गजब भाई गजब छब्बाश चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों चलो एक क्वेश्चन मैं इस टाइप का बोलता हूँ तुम लोग मुझे उसका उत्तर बताना बच्चों ठीक है मैं एक क्वेश्चन इस टाइप का बोल देता हूँ यहीं पर बोल दूँ क्या यहीं बोल देता हूँ पेज क्या ही पलटूंगा यार <coughs> ये तो समझ में आ ही गया तुम लोगों को इशू नहीं है पीपीटी वगैरह देंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है भाई एक क्वेश्चन बताना मेरे भाई क्वेश्चन का उत्तर दीजिए तुम लोग मैंने क्वेश्चन क्या करा क्योंकि इंपॉर्टेंट है चैप्टर इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा पेपर में याद रखना मैंने कहा बच्चों ए जो है ए जो है ना ए किसी काम को कर सकता है बच्चों बारह दिन में और बी कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों उस काम को पंद्रह दिनों में ठीक है दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं बच्चों मिलकर काम शुरू करते हैं दोनों मिलकर शुरू किया बच्चों मिलकर शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया काम बच्चों ए ने काम छोड़ दिया जिसके कारण काम जो है ना बच्चों जो काम है वो पूरा दस दिन में पूरा हुआ बच्चों काम दस दिन में पूरा हुआ बच्चों काम दस दिन में पूरा हुआ तो मुझे ये बताओ ए ने कितने दिन काम किया मेरे बच्चों ए ने कितने दिन तक काम किया था भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फटाफट से बच्चों देखना चाहता हूँ कितने बच्चे तुम तो इस क्वेश्चन का उत्तर दोगे भाई बिल्कुल पेन के सिंबल आ गए बच्चों बिल्कुल संगीता लेकिन बच्चे ना ऑप्शन में पांच मिलेगा, तुम्हें वहाँ पे पेपर में 100 मिलेगा। इस टाइप का अगर मिलेगा ना। ऐसा क्वेश्चन देगा आपको बहुत बढ़िया बच्चों कुछ बच्चों का एक आ गया कुछ का चार आ गया वर्षा का चार आ गया वर्षा कालवान ज्योति ज्योति ओके चार दिन मोहित चार दिन चार दिन माही कोर का चार आ गया बच्चों बहत्तर सौ ज्योति बहत्तर सौ पीछे है, अच्छा पिछले क्वेश्चन का उत्तर दे रही बढ़िया काफी सारे बच्चों का चार उत्तर आ गया चलिए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व देखना मेरे भाई क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों आ जाइए देखो ए किसी काम को कर सकता है बच्चों बारह दिनों में और बी जो है भाई वो कर सकता है पंद्रह दिन में एलिसम कितना गया दोनों का साठ बारह पंजे साठ चौके साठ यहाँ से एक बात कन्फर्म है ए जो है बच्चों कितना काम कर सकता है पांच और बी मेरे बच्चों को कितना कर सकता है चार ठीक है भाई अब अगर दोनों मिलकर काम करते हैं बच्चों तो काम करते हैं ठीक है दोनों बट हमें ये बात नहीं है हमें इतना कन्फर्म करना है देखो कुछ दिनों तक ए ने काम छोड़ दिया बीच में ए काम छोड़ रहा है इसका मतलब बी जो है बच्चों बी नॉन स्टॉप काम करता है बी क्या करता है मेरे बच्चों नॉन स्टॉप काम पे लगा हुआ है बच्चों बी नॉन स्टॉप काम पे लगा हुआ है बच्चों तो हमें मालूम है ना कि बी कितना कर सकता है डेली चार काम कर सकता है बच्चों बी कितना काम कर सकता है चार और कुल कितने दिन में काम पूरा हुआ है तो इसका मतलब बच्चों ने कुल कितना काम किया होगा चालीस यानी कि बच्चों इस साठ में से ना बी ने चालीस काम किया है इसका मतलब बच्चों जो बीस काम था वो किसने किया था भाई ए ने किया था ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई बस बहुत ही सिंपल सी बात है बच्चों समझ में आगे होगी सब लोगों को भाई हाँ <laughs> इसी चैप्टर में पिटाई हुई थी हमारी ऑफलाइन में क्या बात है भाई अंगीता <laughs> हाँ बोल रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन कुछ ए जो है ना वो बीस काम कर सकता है तो ए डेली कितना करता है पाँच तो इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया मेरे प्यारे बच्चों चार दिन तो इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा चार दिन इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में मेरे भाई बहुत बहुत पूछा जाता है बच्चों काफी बार पेपर में रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन भी भाई हाँ इसी क्वेश्चन में धुलाई हुई थी हमारी ठीक है बच्चों कोई बात नहीं अब तो तुम चले गए भाई हाँ चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई चलिए एक क्वेश्चन के अराउंड जितने भी क्वेश्चन मेरे बच्चों बनते हैं ना वो हम लोग सारे ही कोशिश करते हैं डिस्कस करने की चलिए बट बढ़, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बहुत गजब क्वेश्चन है भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसके स्थान मतलब कोई संख्या होगी बच्चों जो तीन से डिवाइड होगी पूरा पूरा बट नौ से डिवाइड नहीं होगी ऐसी संख्या देखनी है ना मेरे बच्चों जो तीन से तो डिवाइड हो जाए बट नौ से डिवाइड ना हो मेरे भाई और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए उस संख्या की

क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों क्वेश्चन करते हैं सबसे पहली बात तो देखिए हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना मेरे बच्चों वो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार ऑप्शन दे रखे हैं भाई हमें कितने तेईस छ आठ और डैश अब यहाँ पे जो संख्या है ना मेरे भाई देखना वो संख्या क्या दी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे बच्चों पे हमने बताना है कि सबसे बड़ी संख्या अब तुम एक बात बताओ सबसे बड़ी संख्या कैसे पॉसिबल होगी बच्चों जब ए की वैल्यू में मैक्सिमम लूंगा तभी तो संख्या बड़ी आएगी आगे तो तेईस है मेरे भाई यानी मैंने वैल्यू किसके जगह धरनी है वैल्यू एक के स्थान पर रखनी है बच्चों और बी के स्थान पर रखनी है भाई तो अगर मैं एक की इस वैल्यू को ज़्यादा रखूंगा तो ही तो संख्या बड़ी से बड़ी आएगी ना ठीक है सर ये बात तो अब चलिए पहले हम देख लेते हैं कि नौ से या तीन से कौन सी संख्या डिवाइड होगी तीन से तो खैर सारी हो जाएंगी नौ से देख लेना भाई तुम लोग ठीक है अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ प्यारे बच्चों को नौ ये सबसे बड़ी होगी नौ ये सबसे बड़ी होगी भाई ठीक है बी पे कोई आओ जो कोई फर्क नहीं पड़ता देखिए अब इसमें से भी क्या है कि ये वाली ट्राई करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ी है नौ से देख लो डिवाइड होती है कि नहीं होती बच्चों सोलह और छह बाईस और नो कितना हो गया बच्चों इकतीस इकतीस और पांच हो गया छत्तीस बच्चों डिवाइड हो रही है भाई ये संख्या डिवाइड हो रखी है तो तुम शुरू के तीन अक्षरों से ही पता चल जाएगा चार अक्षरों से ही पता चल जाएगा तेईस क्षण तेईस छणवे पिचासी अठासी ये तेईस छिहत्तर हो गया इसको काट दो ये कितना हो गया तेईस छियासी इसको काट दो बच्चों ये तो छोटी रहेगी ना मुकाबला सिर्फ सी और डी में था बच्चों सी और डी में मुकाबला है तो जो सी ऑप्शन है अपना वो नो से डिवाइड नहीं होता

बाई ऑप्शन मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर देंगे बच्चों बहुत बढ़िया शब्बा सभी बच्चों को उत्तर सही आ रहे हैं भाई ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर सी सी बहुत बेस्ट बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं प्यारे बच्चों चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई एक और गजब क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों नोट करिए फटाफट से और फटाफट से इसको सोल्व करने की कोशिश करें बच्चों <laughs> देखिए भाई हमें क्या बोला गया है हमें बोला गया बच्चों एक वस्तु का जो प्राइस है वो चार सौ रुपये है भाई ठीक है एक वस्तु का जो प्राइस है बच्चों वो कितना है चार सौ रुपये है फेस्टिवल के दौरान कोई कंपनी जो है वो इसे टेन परसेंट के रेगुलर डिस्काउंट के साथ साथ बच्चों एक्स परसेंट की छूट भी दे रही है मेरे भाई मूल्य पर ठीक है कोई दो सौ सोलह में बेच दिया गया, गया वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई डिस्काउंट के चैप्टर का क्वेश्चन है टेक्निकल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वस्तु का जो प्राइस दे रखा ना बच्चों वो दे रखा चार सौ रुपए यानी मान लेता हूँ जैसे अभी फेस्टिवल आएगा अभी दशहरा आएगा दिवाली आएगी बच्चों दशहरे के ओकेजन में हम लोग मान लेते हैं कि हम कोई वॉच खरीदने चले गए कोई घड़ी खरीदने चले गए मेरे बच्चों और उस घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस था ना बच्चों वो कितना था चार सौ रुपये था ठीक है हमने दुकान में गए हमने पूछा भाई अंकल जी घड़ी कितने रुपए की है तो अंकल जी ने बोला चार सौ रुपए की है और हमने पूछा अंकल जी डिस्काउंट क्या दे रहे हो अंकल बोला बेटा हर रोज की तरह दस परसेंट का डिस्काउंट दे रहा हूँ ठीक है तो अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों अगर दस परसेंट का डिस्काउंट हमें दिया गया है तो क्या हमें वो नब्बे परसेंट में नहीं मिल रही बच्चों चार सौ के नब्बे परसेंट में मिल रही है बिल्कुल मिल रही है सर जी इसका मतलब वो घड़ी हमें अगर हम हर रोज वहाँ चले जाते हैं रेगुलर कस्टमर हैं तो वो तीन सौ साठ की पड़ रही है बच्चों अगर विदाउट कोई ओकेजन बिना कोई फेस्टिवल के हम उस घड़ी को खरीदेंगे बच्चों तो वो तीन सौ साठ रुपये की मिलेगी बहुत बढ़िया भाई गुड इवनिंग सर थोड़ा सा लेट हो गया सॉरी कोई बात नहीं बच्चे देखिए तीन हो गया भाई अब हमें क्या कहा गया बच्चों आगे कहा गया फेस्टिवल के कारण है ना फेस्टिवल की वजह से मेरे भाई वो दो सौ सोलह रुपए की मिल रही है हमें तो तीन सौ साठ रुपए का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ दो सौ सोलह में मिल रहा है इसका मतलब जो फेस्टिवल की वजह से स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है बच्चों वो कितने रुपए का आ गया फोर्टी फोर का एक सौ चवालीस रुपए का बच्चों वन फोर्टी फोर रुपीज का रेगुलर अगर समय में हम लोग खरीदते बच्चों नॉन सीजनल टाइम पे अगर हम उसको परचेज करते बच्चों तो हमें वो मिल रही थी तीन सौ रुपए में बट फेस्टिवल के कारण हमें मिल रही है दो सौ में तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरे बच्चों दिया गया कूपन वो एक सौ रुपए का है और ये जो एक का डिस्काउंट है ना मेरे बच्चों ये किसके ऊपर होगा तीन के ऊपर तीन के ऊपर तो मल्टीप्लाई में कर देंगे मेरे भाई सो जीरो से जीरो कैंसिल होगा ये कटेगा चार पे चार गुना सौ यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा मेरे बच्चों वो आएगा चालीस परसेंट यानी कि जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमें दिया गया है जो कूपन कोड जो हमने यूज़ किया था बच्चों वो फोर्टी परसेंट का था बच्चों कितने परसेंट डिस्काउंट का था मेरे बच्चों फोर्टी परसेंट का उम्मीद करता हूँ बच्चों सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बातें भाई सबको समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई सी आंसर है गुरु जी ओके सर आप जी कराते हो गए अरे नहीं भाई जी के कहाँ गुड़िया मैथ्स पढ़ाता हूँ भाई मैं आपको जी सोनू सर और संदीप सिवात सर पढ़ाते हैं बच्चों ठीक है पता ही आप लोगों को इस चीज़ का तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने है देखना मेरे भाई एक पाइप किसी टंकी को ना दस घंटों में भर सकता है जबकि एक बहिर्गम पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को बीस घंटे में खाली कर सकता है बच्चों बीस घंटे में खाली कर सकता है तो हमें बिल्कुल कन्फर्म है कि एक पाइप जो हो पानी भरता है बच्चों और दूसरा पाइप पानी खाली करता है तो ए पाइप तो मान लेता हूँ मैं पानी भरने वाला पाइप है बच्चों और ये दस घंटों में टंकी भर सकता है बच्चों इसी प्रकार अगर मैं बी की बात करूँ ना तो बी क्या कहता है बी जो हो भरी हुई टंकी को बीस मिनट में खाली कर सकता है तो बी की जो पाइप की एफिशियंसी होगी बच्चों वो बीस के लेवल पर देखेंगे एल्शियम दोनों का बीस ही आ गया यानी जो टंकी रही हमारी वो बीस लीटर की होगी बच्चों और दस लीटर पानी एक घंटे में भर सकता है पाइप इसका मतलब वो एक घंटे सॉरी दस घंटे में बीस लीटर पानी भरता है तो एक घंटे में दो लीटर भर देगा और जो खाली करने वाला पाइप है बच्चों वो उसको एक में खाली कर देगा इसमें खाली कर देगा अब हमें मालूम पड़ गया बच्चों भरने <coughs> वाला पाइप भरता है दो लीटर पानी खाली करने वाला पाइप कितना खाली कर देता है बच्चों एक तो मुझे पता चल गया एक घंटे में ना बच्चों एक घंटे में टंकी के अंदर एक लीटर पानी ही स्टोर होता है बच्चों और टंकी कितने लीटर की है बीस लीटर की तो बीस लीटर पानी भरने में कुल कितना टाइम लग जाएगा बच्चों बीस घंटे लग जाएंगे भाई बीस घंटे लग जाएंगे बच्चों अब ऑप्शन में बीस घंटे कहीं दे ही नहीं रखा ऑप्शन में कहीं भी बीस घंटे नहीं दे रखा बच्चों ऑप्शन में हमें क्या बात कही गई है हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि टंकी को सवेरे साढ़े बजे स्टार्ट कर दिया था भाई भरना दोनों पाइप सवेरे साढ़े छह बजे खोल दिए गए थे बच्चों साढ़े छः सुबेरे पाइप खोल दिए गए थे ठीक है ना तो बीस घंटे जोड़ दो भाई साढ़े छः में बीस घंटे जोड़ोगे बच्चों तो अगले दिन सुबह कितने बजे ढाई बजे मेरे बच्चों यानी कि रात के ढाई बजे वो टंकी आपकी भरेगी मेरे भाई बीस घंटे जोड़ दिए अगर मैं चौबीस घंटे जोड़ देता हूँ ना तो अगले दिन कितना हो जाएगा साढ़े छः बज जाएंगे सवेरे के बट चौबीस घंटे नहीं बीस घंटे हैं तो सवेरे साढ़े छः में से चार घंटे घटा दो यानी रात को ढाई बजे मेरे बच्चों को टंकी भरेगी दो बजकर तीस मिनट पर मेरे बच्चों वो टंकी जो है वो भर जाएगी भाई दो बजकर तीस मिनट पर बच्चों वो टंकी भर जाएगी भाई अजीत ये क्वेश्चन मेरे बच्चों कल ही मैंने समझाया था एक बच्चे को गई, जो तुम कमेंट कर रहे हो ना एक वर्ष के लिए पचास गुना में रेट गुना में एक बटे सो माइनस चौदह सौ पचास गुना में रेट गुना एक बटे सो इज इक्वल टू रख दो पचास क्या बोल रहा हूँ बच्चे में अजीत समझ में आई क्या बात सोलह सौ पचास रुपए गुना में आर गुना में एक बटे सो मूलधन गुणा गुणा दर समय बटे सो माइनस बच्चों दूसरा मूलधन है चौदह सौ पचास रुपए मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे बटेसो इज इक्वल टू पचास रख दो आर की निकाल दे, मेरे बच्चे आ जाएगा आपका आंसर ठीक है बता दिया मैंने आपको चलिए बच्चों करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों बच्चो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आ गया बच्चों एक और रेस्टोरेंट प्रपोशन हमें बोला गया बच्चों दस पॉइंट आठ और चार पॉइंट आठ के मध्य अनुपाति मध्य अनुपाति क्या होता है बच्चों दोनों के मल्टीप्लाई करके दोनों का रूट निकाल देंगे मेरे बच्चों दोनों क्या निकाल देंगे बच्चों अनरूट निकाल देंगे हम लोग ठीक है तो अब इसका कैसे सोल्व करोगे इसको देखो एक सौ आठ गुना में फोर्टी एट बच्चों और बटे में आ गया सौ इसका अगर मैं रूट निकाल लूंगा ना मेरे बच्चों इसका रूट निकाल लूँगा तो क्या करूँगा मैं फैक्ट्री करूँगा इसका सीधी सी बात है भाई ये फैक्टर हो गए कितने इसके बच्चों अट्ठारह गुणा में छः और इसके हो गए मेरे बच्चों आठ गुणा में छः आठ छः अड़तालीस ठीक है और बटे में कितना आ गया सौ ठीक है ये बारह के बारह के साथ टुकड़े कर दो इसके बारह के साथ टुकड़े कर दो थोड़ा और भी अच्छा रहेगा बच्चों इसके टुकड़े हो जाएंगे देखना बच्चों एक सौ आठ के बारह गुना में नौ बारह गुना में नौ और अड़तालीस हो जाएगा बारह गुना चार बारह गुना चार सबका रूट निकाल लूंगा बच्चों में तो देखिए बारह का पेयर बन तो यहां गया तो यहाँ से बारह बाहर आ गया बच्चों बारह बाहर आ जाएगा अब यहाँ से नौ का अनरूट कितना होता है बच्चों तीन चार का रूट कितना होता है मेरे बच्चों दो और भाई इसका रूट कितना होता है दस यानी ये आएगा बच्चों सात पॉइंट दो ये आएगा सात पॉइंट दो कहता है दस पॉइंट आठ और चार पॉइंट आठ का जो मध्य समानुपाति होगा मेरे बच्चों मीन प्रपोशन होगा वो आएगा सात पॉइंट दो अब कहता है दो और चार के तीसरे अनुपात का बच्चों तो दो और चार का तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा देखिए दो और चार का तो ये हो जाएगा चार का स्केयर बटे दो यानी कि मेरे बच्चों ये हो जाएगा आठ ये हो जाएगा आठ इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है भाई इन दोनों का रेशियो तो सात पॉइंट दो रेशो आठ ठीक है बच्चों ये हो जाएगा कितना रेशो अगर मैं दोनों को दस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डेसिमल का चक्कर खत्म हो जाएगा दोनों को दस से मल्टीप्लाई कर दोनों टेन बच्चों का योग क्या होगा बच्चों जोड़ पूछ रखा क्या जोड़ पूछ रखा जोड़ दो इन दोनों को सिर्फ जोड़ पूछा बच्चों तो निकाल दिया बट इन्होंने जोड़ पूछा जोड़ दो ही आगे दो फिफ्टीन पॉइंट टू मेरे बच्चों का सही उत्तर हो जाएगा फिफ्टीन पॉइंट टू बच्चों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भाई बहुत बढ़िया विदाउट हेडफोन नहीं सुन सकते सर वॉल्यूम लो है वॉल्यूम लो मुझे नहीं पता यार कहाँ से हो तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है सब कुछ ओके चल रहा है भाई मेरे मोबाइल में ना बहुत अच्छे से क्लियर आवाज़ आ रही है बच्चों बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है कहो तो तुम लोगों को सुना देता हूँ अभी तुम्हारे मोबाइल में पता नहीं क्या चक्कर है आवाज़ क्यों नहीं आती देख लेता हूं चलो मैं एक बार क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों दो क्वेश्चन दिए हुए थे देखिए इन दोनों का निकालना था मीन प्रोपोर्शनल बच्चों और मीन प्रोपोर्शनल होता है बी होता है इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में सी का रूट बच्चों और यहां से क्या पूछा था थर्ड प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चों थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होता है बच्चों बी स्क्वायर बटा सी होता है ये होता है भाई बी बटा सी देखते हैं भाई क्या है आवाज सही आती है कि नहीं आती बच्चों

ये बहुत गजब क्वेश्चन आ गया बच्चों इस क्वेश्चन को फटाफट से सोल्व करो एक बार ट्राई करो मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई बहुत गजब क्वेश्चन है और जहाँ तक मैं मुझे लगता है ना किसी ना किसी शिफ्ट में हंड्रेड आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा डी ग्रुप के पेपर में क्लियर है गुरुजी आवाज बिल्कुल क्लियर है सभी करें मैं तो बिना हेडफोन के सुन रहा हूँ बिल्कुल सही समझ में आ रहा है भाई चलो फिर तो अच्छी बात है चलो कोई बात नहीं एक तो किसी बच्चे के फोन में अगर कोई दिक्कत है ना बच्चों रिफ्रेश करके दोबारा से देख लो क्लास तुमको ठीक है चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन सोल्व बच्चों देखो हमें कहा गया है किसी राशि पर ना दो साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों वो तीन सौ बीस रुपए है दो साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे बच्चों तीन सौ बीस रुपए है और इतनी ही अवधि के लिए इसी अमाउंट पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे बच्चों वो तीन सौ चौरासी रुपए है कंपाउंड इंटरेस्ट है तीन सौ चौरासी रुपए और सिंपल इंटरेस्ट मेरे बच्चों दो साल का है तीन सौ बीस अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी बच्चों जब पहली ही हमारी शायद क्लास थी वो यूट्यूब पर उस उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको एक साल के लिए ना मेरे बच्चों एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की ही अमाउंट बच्चों बराबर होती है एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दो साल का सिंपल इंटरेस्ट रहा इंटरेस्ट तो भी कितना एक सौ ही होगा बच्चों एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट मेरे बच्चों बराबर होती है <सकि c Pack struggles> बहुत बढ़िया भाई अब देखो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों तीन जिसमें से एक साल का ब्याज कितना था एक सौ साठ तो मुझे मालूम पड़ गया कि अगले साल जो ब्याज लगा है ना बच्चों टोटल वो दो सौ चौबीस रुपये लगाए दो सौ चौबीस रुपये क्या तुम देख लो तीन सौ चौरासी टोटल बैठ रहा है बच्चों तीन सौ चौरासी तो कितने रुपए ज्यादा लग रहे हैं अगली बार अगली बार लग रहे हैं बच्चों चौसठ रुपये ज्यादा और ये जो चौंसठ रुपये ब्याज है बच्चों ये किसका ब्याज है ये पिछले साल के ब्याज का ब्याज है भाई तो चौंसठ मल्टीप्लाई में एक सौ साठ और मल्टीप्लाई में सो सॉरी डिवाइड में एक सौ साठ मल्टीप्लाई में सो तो चालीस परसेंट मेरे भाई इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा चालीस परसेंट जो है वो रेट आ जाएगी बच्चों को नहीं चालीस परसेंट कितना गया इसकी? रेट आ गई पूछा गया कि वह अमाउंट क्या होगी मेरे बच्चों निकाल दो क्वेश्चन को सोल्व कर दो भाई सिंपल पी आर टी बटे सो पी इंटू आर कितना गया? 40 आ गया चालीस आ गया इंटू एक साल बटे सो और एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट रहा मेरे बच्चों वो एक सौ साठ रुपये रहा एक सौ साठ रुपये रहा भाई इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा मेरे बच्चों चार सौ रुपए किस किस बच्चे का सही उत्तर आया फटा फटाफट से एक बार बना के दो। किस -किस बच्चे का उत्तर चार सौ बच्चों का उत्तर देख लो, तुम लोग सत्तर के आसपास हो और बच्चों का ही आंसर आया बच्चों अजीत मैंने ये बता दिया मेरे बच्चे चलिए क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ भाई अभी करवा देता हूँ सोलह सौ पचास और चौदह सौ पचास है 1650 और 1450 देख ले भाई चलो ब्याज का क्वेश्चन ये भी था तो ब्याज का ही क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे हो भाई इसको रिपीट करवाना है क्या एक बार देखिए चलो रिपीट कर देते हैं दो वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट रहा मेरे भाई वो रहा तीन तो मुझे मालूम है दो साल का अगर ब्याज तीन है तो एक साल का कितना हो जाएगा एक सौ एक साल का तो सिंपल इंटरेस्ट भी एक कंपाउंड भी एक बट दो साल का कंपाउंड हो रखा है तीन यानी ब्याज अगले साल आए बच्चों दो सौ चौबीस रुपए यानी पहले साल से चौसठ रुपए ज्यादा तो ये चौंसठ रुपये मेरे बच्चों पहले साल का जो ब्याज था उसका ब्याज है भाई यानी एक का ब्याज कितना आ गया चौंसठ मल्टीप्लाई में सो रेट आ गई मेरे बच्चों चालीस रेट आ गई मेरे बच्चों चालीस अब सिंपल फार्मूला पुट कर दिया पी आर टी बटे सो और ये हमारा आंसर हो गया अब मैं यहीं पे क्वेश्चन बता देता हूँ देखो जो ये बच्चा अजीत हिसार बार बार पूछ रहा है बच्चा एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर दे देते हैं भाई चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं अब ये क्वेश्चन समझा देता हूँ बच्चों तुम्हें देखो भाई अजीत एक बात क्लियर कही गई है बेटा क्या बोला गया है देखना सुनना मेरी बात को ध्यान से अभी डाउट लेते हैं भाई अजीत सिंह तुम्हारा देखिए हमें कहा गया सोलह सौ सो की अमाउंट पर बच्चों कोई रेट है आर परसेंट और एक साल का जो ब्याज है मेरे बच्चों एक साल का जो ब्याज है सिंपल फार्मूला पुट कर दिया मैंने मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे सो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन हंड्रेड और उसी वही रेट वही समय चौदह सौ पचास रुपये पर जो ब्याज बनेगा इन टू आर एक गुणा में कर दो या ना कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों ये जो difference है ये 50 है अरे अजीत अब तो मेरे बच्चे कर सकता है को पूरा पूरा करते है बच्चे का आर बटे में दस माइनस मेरे बच्चे एक सौ पैंतालीस आर बटे दस इज इक्वल टू तो बच्चे पचास इज इक्वल टू पचास अब देखो इसको घटा दो हर सेम है तो सीधा घट जाएगा बच्चों बीस आर बटे दस इज इक्वल टू पचास जीरो से जीरो दो उधर चला गया आर की वैल्यू आएगी बच्चे पच्चीस परसेंट अब तुम्हें ना कोई टेस्ट बुक खरीद लेते हो उसमें क्वेश्चन के उत्तर दिए होते हैं गलत और तुम कन्फ्यूज हो जाते हो बच्चे उसी टाइम पे उसी टाइम पे कन्फ्यूज हो जाते हो पच्चीस तो आंसर आ ही गया था मेरे भाई शायद तुम्हारा पच्चीस रुपए आंसर तो मेरे बच्चे शायद तुम्हारा आ ही गया था भाई अब कमेंट कर भैया जी तो आ गया क्या सही संगीता शर्मा ने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया था भाई बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है गुड़िया ने बहुत बढ़िया छब्बास पच्चीस परसेंट इसका उत्तर आ गया क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था मेरे भाई बहुत बच्चो। बच्चों अच्छा बच्चो। के उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमें बोला गया है स्पीड टाइम और डिस्टेंस का ये चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों टाइम स्पीड और डिस्टेंस देखिए एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से ट्रेवल करती है तीन घंटे कम समय लगता है ना बच्चों किसके रैसी होती है टाइम के स्पीड जितनी बढ़ाते चलेंगे मेरे बच्चों टाइम उतना ही कम लगता चलेगा हमें ठीक है ना इस बात का स्पेशली ध्यान रखना कहा गया है इस टाइप के क्वेश्चन को तुम चाहो तो ऑप्शन से भी टैकल कर सकते हो बच्चों देखो डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई 360 ठीक है और हमें कहा गया कि ट्रेन की चाल कितनी होगी भाई ट्रेन की चाल क्या होगी देखो अगर मैं मान लेता हूँ मेरे भाई ट्रेन की चाल कितनी थी चालीस थी ट्रेन की चाल कितनी मान ली मैंने चालीस तो मुझे कुल कितना टाइम लगता है बच्चों मुझे टोटल नौ घंटे लगते हैं और अगर मैं उसकी स्पीड को क्या करूँ बढ़ा देता हूँ मेरे भाई कितनी बढ़ा देता हूँ मैं दस बढ़ा देता हूँ तो मुझे कुल कितना लग रहा है भाई मुझे लग रहा है सात पॉइंट कुछ घंटे बट मुझे लगने कितने चाहिए थे भाई वो तो तीन घंटे का अंतर आना था ना यहाँ पे अंतर कितना है कुछ और ही आ रखा है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हमारा उत्तर नहीं होगा बच्चों पच्चीस तीन सौ साठ से पूरा कटता नहीं है तो जो संख्या पूरी ना कटे उसको तो बेसन काट दिया करो तीस को ट्राई करते हैं बच्चों ये मैं तुम्हें बाई ऑप्शन बता रहा हूँ हिट एंड ट्रायल मैथड से तीन किलोमीटर में जाता हूँ और मेरी चाल मेरे बच्चों है तीस की मेरी जो चाल है ना मेरे बच्चों वो कितनी है मेरी चाल है तीस की भाई तो मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा मेरे को मेरे को टोटल मेरे भाई बारह घंटे लग जाएंगे अब अगर मैं इसी दूरी को मेरी चाल थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ तीस की बजाय कितनी कर देता हूँ बच्चों चालीस कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे कितने घंटे लगेंगे नौ घंटे तो क्या मेरे प्यारे बच्चों मुझे तीन घंटे कम नहीं लगे क्या बताइए क्लियर दिखाई दे रहा है कि सर जब आप तीस पे चल रहे थे ना तब तो आप बारह घंटे ले रहे थे कहीं जाने के लिए और जैसे ही आप चालीस पे चल रहे हो तो आप कितना समय ले रहे हो मेरे बच्चों आप ले रहे हैं टोटल नौ घंटे इसका मतलब तो कितना आ गया भाई ये तीन घंटे का अंतर मेरे भाई आ गया यही हमें प्रूव करना था तीन घंटे कम लगते हैं तो हमारा जो ऑप्शन सी जो बच्चों बच्चे वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हाँ बहुत ही गजब शब्बास कर लोगे इस टाइप से बहुत भाई। बहुत भाई बढ़िया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना बच्चों ज्यादा तुम्हें चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी ठीक है इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते रहना <coughs> एक क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट एडवांस मैथ का क्वेश्चन बच्चों किसी रेक्टेंगल का जो एरिया है ना वो इक्वल है मेरे बच्चों किसके इक्वल है कि स्केर के वर्ग के एरिया के बराबर है बच्चों वर्ग और आयत का क्षेत्रफल मेरे बच्चों समान है वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बच्चों समान है ठीक है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्केर आयत की चौड़ाई जो है वो वर्ग की वजह से बीस परसेंट कम है बच्चों सारा खेल यहाँ से होता है स्टार्ट सारा का सारा गेम मेरे बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है तुम लोग तो भागना शुरू कर दिया भाई तुमने तो तुम? है अच्छे नहीं लग रही क्या क्लास बच्चों बंद कर देंगे वेल डन भाई ठीक है ओके okay, पिछले क्वेश्चन ठीक है गुरुजी क्लास बंद कर देंगे क्या फिर चलिए क्वेश्चन तो देख ही ले एक बार फिर देखते हैं एक आयत का और वर्ग का एरिया मेरे बच्चों सेम दे रखा है आगे क्या कहा है कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 20% कम है तो ये 20% का मतलब होगा मेरे बच्चों 20 बटा 100 यानी कि 1 बटा 5 1 बटा 5 ठीक है भाई ओके अब हमें मालूम है कि जो वर्ग की भुजा थी ना बच्चों वो कितनी है 5 अगर मैं स्केर की साइड बोलूँगा मेरे बच्चों साइड ऑफ स्केर कितनी आ गई पाँच सेंटीमीटर ये बोल रहा हूँ बच्चों में पाँच सेंटीमीटर तो मुझे मालूम पड़ गया जो आयत की चौड़ाई है बच्चों आयत की जो चौड़ाई है ना आयत की चौड़ाई वो इससे एक कम है यानी वो कितनी है बच्चों चार है और इसका अगर मैं एरिया पता करूँ स्केर का एरिया होगा बच्चों पाँच का स्केयर यानी कि पच्चीस सेंटीमीटर स्केयर बच्चों पच्चीस सेंटीमीटर स्केयर बहुत ही आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो तुम लोग देखो जो एरिया स्केर का होगा वही एरिया रेक्टेंगल का होगा बच्चों रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई और एरिया कितना आ गया बच्चों अपना पच्चीस आ गया भाई। लंबाई की वैल्यू हमें मालूम नहीं कितनी, है, बट ही पता है, कितनी है? 4. गया है कि जो आयत की लंबाई है बच्चों वो उस वर्ग की भुजा से कितने परसेंट ज्यादा है बच्चों कितने परसेंट ज्यादा है भाई तो देख लियो कितना परसेंट ज्यादा होगा गया वो भुजा पांच थी रेक्टेंगल की जो साइड थी ना बच्चों वो कितनी थी पांच थी स्केयर की साइड पाँच थी रेक्टेंगल की आ गई छः पॉइंट दो पाँच तो कितनी ज़्यादा है भाई इससे एक पॉइंट दो पाँच अधिक है बच्चों और बटे में पाँच मल्टीप्लाई सो मल्टीप्लाई सो इस डेसिमल को हटाने के लिए भी मैंने बटे में सो कर दिया तो पच्चीस मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई अभी देखता हूँ कमेंट तुम्हारे कितने बच्चों को उत्तर सही मिलेगा ये कितने बच्चों का आंसर सही है भाई एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया अभी सिर्फ संगीता शर्मा का आंसर सही आया है भाई नहीं सर नहीं सर ओके भाई अच्छी है सर क्लास ठीक चल रही है ओके भाई मन लग रहा है चलो बहुत अच्छी बात है भाई मन लगाए रखो बच्चों पढ़ते रहो तुम लोग अभी सब बच्चों के उत्तर आ गए भाई तुम कॉपी पेस्ट तो नहीं उठा रहे क्वेश्चन उठा उठा के उत्तर हाँ भाई कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे उत्तर तुम लोग मुश्किल क्वेश्चन नहीं था बच्चों टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे एन टी आई क्वेश्चन पूछता है बातों को हल्की सी घुमा फिरा के पूछेगा आप लोगों से भाई कन्फ्यूज करेगा बार बार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे बच्चों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों एक और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया बच्चों एक और गजब का क्वेश्चन आ गया भाई देखिए चीनी की कीमत 24% परसेंट से बढ़ जाती है बच्चों यानी पहले अगर मान लेता हूँ चीनी हमारी ₹100 किलो थी ना बच्चों तो अब वो ₹124 किलो हो गई 100 से बढ़कर कितने हो गई बच्चों ₹124 किलो हो गई हमारी चीनी और एक जो कस्टमर है बच्चों कोई व्यक्ति है वो अपना खर्चा केवल पंद्रह परसेंट ही बढ़ाना चाहता है बच्चों सिर्फ पंद्रह परसेंट ही अफोर्ड कर सकता है वो कि इतना कुछ सिस्टम था उसका ठीक है भाई देखिए अगर मैं बात करता हूँ बच्चों चीनी सौ रुपये किलो थी ठीक है भाई और मुझे नहीं पता कितनी सौ किलो ही मान के चलो सौ किलो ही चीनी हमने खरीदी ली बच्चों तो खर्चा कितना होगा दस हज़ार रुपये बहुत आसान मेथड है बच्चों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है ठीक है थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है बच्चों क्योंकि 24 परसेंट का कैलकुलट होगा ही होगा और 15 परसेंट भी मेरे बच्चों कैलकुलेशन बढ़ाएगा इसलिए ये मत सोचना कि कैलकुलेशन आगे सर कोई ट्रिक बता दो कोई ट्रिक नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में ठीक है सिंपल मेथड से ही क्वेश्चन सोल्व होगा अपना ये मान लेता हूँ चीनी की कीमत थी बच्चों सौ रुपये किलो और कंजम्पन भी कितनी थी उसकी सौ किलो ही थी बच्चों तो यानी जो एक्सपेंडिचर आया अपना वो खर्चा आ गया वो आ गया बच्चों दस अब चीनी की कीमत हो गई चौबीस बढ़कर एक आ गई बच्चों मुझे नहीं मालूम कितनी चीनी खपत की जा रही है एक्स मान लिया बट मुझे एक बात कन्फर्म है बच्चों कि खर्चा जो बढ़ेगा ना वो केवल और केवल मैं पंद्रह परसेंट ही बढ़ा सकता हूँ यानी कि मेरे भाई दस हज़ार रुपये पहले खर्चा था अब मैं केवल पंद्रह परसेंट बढ़ा सकता हूँ यानी मैं सिर्फ उसका एक सौ पंद्रह परसेंट खर्च कर सकता हूँ यानी कि जो मैं खर्चा कर सकता हूँ मेरे बच्चों वो साढ़े ग्यारह हज़ार रुपये करूँगा बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने दूंगा मैं खर्चे को पहले खर्चा दस हजार का था बच्चों अब खर्चा कितना आ गया भैया साढ़े ग्यारह हजार रुपया खर्चा आ गया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी मेरे भाई निकाल दो एक सौ चौबीस को उधर लेके चले जाओ नहीं एक्स कितना आएगा बच्चों अपन एक सौ चौबीस इसको सोल्व कर दो मेरे बच्चों कितने पे कटेगा देख लो चार तीन बारह एक आ गया देख लेना बच्चों ये जो भी वैल्यू आई है आपकी इकतीस और ये इसको क्या करना है तुम तो लोगों से पहले कितना था टोटल खर्चा सो यानी सो में से मेरे भाई किसको माइनस कर देंगे अट्ठाईसो पचहत्तर बटे इकतीस इसको माइनस कर देंगे बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा यानी पहले जो खपत थी ना बच्चों वो सौ थी अब जो अपनी खपत हो गई वो कितनी हो गई अट्ठाईसो पचहत्तर बटा इकतीस हल्का सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर है बच्चों बट ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते तुम तो लोग इसको ठीक है आराम से कर दोगे इकतीस सौ आ गया यहाँ पे इकतीस सौ में से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा मेरे बच्चों ये बचेगा टोटल दो सौ पच्चीस बटा इकतीस दो सौ पच्चीस बटाई इकतीस बच्चों तो ऑलमोस्ट लगभग सात परसेंट के बराबर हमारा उत्तर आएगा पूरा पूरा क्वेश्चन एन टी ए काफ़ी कम बार देती है आंसर उसके लगभग लगभग बच्चों का आंसर आएगा आपका सात के आसपास ठीक है देख लेना इसको सोल्व करके मेरे भाई इकतीस चार से तो होगा हो ही होगा ठीक है ऑलमोस्ट तीन सत इक्कीस दो सौ दस सात पॉइंट समथिंग आ जाएगा सात पॉइंट तीन के आसपास बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा सात पॉइंट तीन के आसपास ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों चलिए बहुत बढ़िया छः पॉइंट नहीं मेरे भाई छः नहीं गलत आंसर मत करो बच्चों गलत आंसर मत दो भाई तुम लोग सात पॉइंट तीन या सात पॉइंट पाँच के आसपास ठीक है ना क्योंकि सिर्फ डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं है दो सौ पच्चीस को इकतीस से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना बच्चों बस तीन सत्तर इक्कीस अगर मैं इसको सात से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सात एक कम से सात दो सौ सत्रह बच गया आठ तो जीरो इकतीस ऑलमोस्ट सात पॉइंट तीन मैंने सही बोला था बिल्कुल इतना ही उत्तर आएगा भाई ठीक है एक आध क्वेश्चन बच्चों बीच में ऐसा आ भी जाता है देखिए कुछ ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर टाइम है आपके पास इनफ तो इसको सोल्व कर दीजिए अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो एक, एक आध क्वेश्चन को चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट फिर से मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया यह क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ बच्चों क्लास में क्योंकि ज्यादा पूछा गया है ये तो दो से तीन बार हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे इस क्वेश्चन का उत्तर बता दो फटाफट से बच्चों तीस सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का उत्तर बता दीजिए सिर्फ तीस सेकंड में, में सिर्फ 30 सेकंड इसका उत्तर बता दो इसका उत्तर बताओ मेरे भाई शब्बास बहुत बढ़िया पिछले का सभी बच्चों का आंसर सही आ गया भाई बहुत बेहतरीन भाई शब्बास ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चों कहते हैं किसी कंपनी में ना बारह पुरुष है भाई उनका जो एवरेज सैलरी है ना उनकी मेरे बच्चों वो कितनी है तीस हजार रुपए है महिलाओं की एवरेज सैलरी है छब्बीस हजार रुपए सभी कर्मचारियों का औसत है बच्चों इतना सत्ताईस हजार छह सौ तो बताना कि कंपनी में टोटल कितने एम्प्लॉज थे बच्चों देखिए एक तरफ है पुरुष मैन है बच्चों और दूसरी तरफ है वुमेन मैन की जो एवरेज सैलरी रही बच्चों वो रही तीस हजार रुपये तीस हजार और महिलाओं की जो सैलरी रही ना बच्चों वो रही छब्बीस हजार रुपए

चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आगे तीस हजार में से सत्ताईस हजार छह सौ घटेगा तो यहां पे बचेगा बच्चों चौबीस सौ इसमें से इसको घटाओगे तो मेरे बच्चों यहां पे आएगा सोलह सौ सो। सही है भाई बिल्कुल करेक्ट है आ जाइए दो जीरो से मेरे बच्चों दो जीरो कैंसिल हो गई आठ से काट दो आठ दूनी सोलह आठ दिया चौबीस यानी कि मुझे एक बात कन्फर्म हो गई जो मेल की संख्या बच्चों मैन की जो संख्या है उसके हिस्से दो हैं महिलाओं की जो संख्या बच्चों उनके हिस्से तीन हैं तो यहां से एक बात कहा गया कि कंपनी में पुरुष कितने हैं बच्चों बारह पुरुष हैं बट मुझे पता है रेशियो के हिसाब से कितने पुरुष हैं दो पुरुष हैं बच्चों दो की वैल्यू बारह आएगी यानी कि एक की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों छह और टोटल इंप्लॉई पूछे तो टोटल तीन और दो कितना हो जाएगा पांच या छठारह महिलाएं कितनी हो गई बच्चों उसमें अठारह पुरुष कितने हैं बच्चों बारह तो टोटल जो कर्मचारी होंगे बच्चों वो होंगे तीस

अटाक देसी अठारह आंसर कर दिया और वहीं पर कार्रवाई वही बैठ जाएगी तुम्हारी बच्चों पहले पढ़ा करो लास्ट की लाइन में हमसे पूछा क्या गया है भाई लास्ट की लाइन में क्या आपसे पूछा गया है बच्चों हाँ टोटल तीस आएगा भाई टोटल तीस आएगा बच्चों बहुत ही बढ़िया बच्चों बहुत बेहतरीन भाई शब्बास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इस क्वेश्चन का उत्तर तुम लोग दो भाई इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दोगे बच्चों ये मैंने एक दिन पहले भी करवाया था शायद परसों से पिछले दिन करवाया था भाई मैंने बैक बैक टू इस बार है ना एंटी में बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों पानी में जंप लगा दिया कुछ व्यक्तियों ने जंप लगाने से जो पानी है वो ऊपर उठ जाता है कितने उसकी जो हाइट है वो पहले से ऊपर उठी होगी बच्चों ठीक है एक व्यक्ति इतना पानी विस्थापित कर देता है ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था बच्चों एक दिन अभी बताता हूँ कि कितने बच्चे सही करते हैं इसका आंसर फटाफट से बताइए इसका उत्तर कितना आएगा भाई इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ बच्चों मान जाता हूं भाई तुम्हें अभी अभी के अभी तुम्हें क्लास का मॉनिटर बना देंगे भाई जिस बच्चे ने इसका उत्तर दे दिया बिल्कुल क्लास का मॉनिटर अभी बना देंगे उसको एक सेकंड में और अगर आंसर नहीं दे रहे हो इसका मतलब तो ये है कि तुम सिर्फ क्लास को यहाँ यहाँ देखते हो बाद में क्वेश्चन करके नहीं देखते बच्चों सरकारी गुज्जर का आंसर सबसे पहले आएगा छः क्लास क्यों नहीं चल रही भाई क्लास चल रही है बिल्कुल महेश सिंह क्लास बिल्कुल चल रही है बच्चों के एकदम ओके रिपोर्ट है क्लास की कोई इशू नहीं है एक परसेंट भी काफ़ी बच्चों के का आंसर छः आए हैं बट मैं बता देता हूँ तुम्हारी जानकारी के लिए छः उत्तर गलत है भाई सरकारी गुज्जर छः उत्तर गलत है पाँच भी गलत है दो भी गलत है अब तो बच ही गया यार सारे ऑप्शन ही तुमने कह दिए भाई हाँ सारे ऑप्शन लिख दिए मेरे बेटा ने पांच चलिए देखिए हमें कहा गया था बच्चों आठ सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को सोलह सेंटीमीटर लंबाई आठ सेंटीमीटर चौड़ाई और पंद्रह सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है बच्चों जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है यदि घन पूरी तरह से डूब जाता है बच्चों तो कितना जल ऊपर लेके आएगा देखिए एक इस प्रकार का मेरे बच्चों मैं तुम्हें कहता हूँ एक कोई टंकी है इस इस टाइप की घन के आकार की और मैंने क्या करा बच्चों देखिए मैंने इसमें क्या है ये पानी भरा हुआ है यहाँ तक इसको थोड़ा सा बच्चों प्यार से समझने की कोशिश करना तुम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेना मेरे बच्चों दोबारा कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे इस क्वेश्चन को देखना मैंने क्या करा इसके अंदर एक क्यूब डाल दिया बच्चों एक क्यूब डाल दिया मैंने इस प्रकार से कोई लकड़ी का था कोई क्यूब शेप की लकड़ी या कोई टुकड़ा बच्चों ये मैंने इसके अंदर डाल दिया इसमें मैंने जैसे ये टुकड़ा डाल दिया मेरे बच्चों यहाँ पे जैसे ही मैंने ये टुकड़ा यहाँ पे रखा जैसे ये टुकड़ा मैंने यहाँ पे फेंक दिया बच्चों तो जितना इस टुकड़े का वॉल्यूम होगा मेरे बच्चों क्या वो पानी ऊपर नहीं उठेगा भाई बताना इसके अंदर अच्छा खासा टुकड़ा फेंक दिया तो क्या इसका जो वाटर लेवल है मेरे बच्चों क्या वो अप नहीं होगा क्या ऊपर नहीं उठेगा क्या भाई बिल्कुल उठ जाएगा सर जी बिल्कुल उठ जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कितना पानी ऊपर उठेगा बच्चों जितना इस टुकड़े का वॉल्यूम होगा वही तो मेरे बच्चों पानी ऊपर उठेगा वही पानी का वॉल्यूम होगा जितना वॉल्यूम उस लकड़ी के टुकड़े ने मेरे बच्चों जितनी जगह घेर ली उतनी जगह से पानी रिप्लेस होकर ऊपर चला गया भाई समझ गए मेरी बात को लंबाई कितनी थी इस कंटेनर की बच्चों लंबाई दे रखी थी कितनी सोलह सेंटीमीटर चौड़ाई कितनी थी मेरे बच्चों इसकी आठ सेंटीमीटर हाइट पंद्रह थी पहले थी बच्चों अब हमने तो सिर्फ यही हाइट बतानी उसकी ये वाली हाइट बतानी बच्चों बस इतनी हाइट बतानी भाई इसकी बस इसकी हाइट मैंने एच मान लिया ये वॉल्यूम हो गया क्यूबोइड का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई किसके बराबर है इसके वॉल्यूम के बराबर है और इसकी कितनी थी भुजा भाई आठ सेंटीमीटर यानी आठ गुना आठ क्योंकि तो क्यूब है बच्चों क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है अब इसको इसको काट दो भाई तुम लोग सोल्व कर दो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को तो। आठ दूनी सोलह आठ दूनी सोलह ठीक है भाई तो एच कितना हो गया मेरे भाई एच हो गए आठ एच हो गए आठ ठीक है यानी कि जो हाइट आ गई वो आठ हो गई भाई आठ ऑप्शन में नहीं दे रखा क्या तो कहीं कोई और रकम में कोई मिस्टेक होगी गई सोलह आठ आठ ही आएगा बच्चों उसकी हाइट तो आठ आएगी मेरे भाई देख लेना कहाँ मिस्टेक हो रखी है भाई ऑप्शन में गड़बड़ है फिर इस क्वेश्चन के आठ कर लेजिए बच्चों इसका उत्तर आठ हो जाएगी इसकी हाइट बच्चों आठ आएगी बहुत बढ़िया भाई ठीक है मेरे भाई ओके बहुत बढ़िया अच्छा अरे ठीक है ठीक है दुपट्टे में दो बोल गए यार चार चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बिल्कुल समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से बस तुमने इतना ध्यान रखना है जो तो सामान कोई भी वस्तु बच्चों इसके अंदर डाली जाएगी ना तुमने सिर्फ इतना सा ध्यान रखना बच्चों जो भी सामान इसके अंदर डाला गया बच्चों उसका जो वॉल्यूम होगा बस वो वॉल्यूम तुम लोगों ने निकालना है मेरे भाई बस इतनी सी बात का ध्यान रखना बच्चों इतना ही पानी का वॉल्यूम आएगा जितना इसके अंदर कोई टुकड़ा डाला गया भाई किसी भी चीज़ का टुकड़ा डाला गया हाँ भाई बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई बिल्कुल बिल्कुल ओके सभी का बिल्कुल सही है बच्चों बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बच्चों पार्टनरशिप का क्वेश्चन है बच्चों में पिछले तीन लेक्चर में लगातार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ तो इस क्वेश्चन को फटाफट से स्क्रीन शॉट लो और होमवर्क में इस क्वेश्चन का उत्तर तुम लोगों ने देना बच्चों तीन वोक टेस्ट में मैं ये क्वेश्चन लेके आया था बच्चों और इस बार इस क्वेश्चन का उत्तर तुम लोगों ने करना है क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में इसका उत्तर बताना है मेरे बच्चों ठीक है फटाफट से स्क्रीन ले लो इसका और कमेंट में इसका उत्तर देना भाई फटाफट जैसी क्लास खत्म होगी बच्चों इसका उत्तर तुम लोगों ने दे देना है भाई

हमें वस्तु का आयतन ही निकालना होता है बच्चों वस्तु का वॉल्यूम ही निकलेगा हमेशा हर केस में क्या निकलेगा मेरे बच्चों उसका आयतन निकलेगा भाई ठीक है आयतन निकलेगा बच्चों अभी कर देते हैं चलिए इसका आयतन गोला है बच्चों गोले का आयतन क्या होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब आर क्यूब का मतलब यानी नो गुणा नो गुणा नो ये आएगा बच्चों ठीक है और इससे एक तार बनाया गया बच्चों जैसे कोई घोड़ा था ना इसको है ना इसको एक इस शेप में कोई तार बना दिया गया बच्चों इस टाइप से इस टाइप से मेरे बच्चों कोई क्या बना दिया गया है तार बना दिया गया है इसको इस टाइप का कोई वायर बना दिया बच्चों इसको मोटा वायर बना दिया भाई ठीक है अब वायर की जो शेप है बच्चों वो किस प्रकार की आएगी सिलेंड्रिकल शेप आ गई बच्चों यहाँ से लिखेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम भाई और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों पाई आर स्केयर एच तो पाई तो सही से रहेगी सेम टू सेम आर स्केयर इसके रेडे से तीन जीरो पॉइंट तीन यानी कि आर स्केयर बच्चो और मल्टीप्लाई में एच है तो एच की जगह तो एच ही रखेंगे पता ही नहीं हाइट है कितनी हाइट तो पता नहीं है बच्चों जो लंबाई होगी ना तार की वो हाइट ही कहलाएगी कैंसल आउट कर दो भाई जो भी कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों देखो फिर से तीन कैंसिल हो गया पाई से मेरे बच्चों पाई कैंसिल हो रखे है इस तीन से ये वाला तीन कैंसिल हो गया तीन तीन, तीन नौ ठीक भाई तीन जो कि बारह बारह नि एक सौ आठ एक सौ आठ बच्चों और गुणा में सौ गुणा में सौ सेंटीमीटर आ रहा है बच्चों सेंटीमीटर आ रहा है अगर मैं इसके मीटर बनाऊंगा ना तो मैं इसको सौ से डिवाइड भी कर दूंगा भाई तो हाइट जो आएगी मेरे बच्चों वो 108 मीटर आ जाएगी भाई 108 मीटर जो है इसकी हाइट होगी इस क्वेश्चन से हमें सिर्फ एक ही सीख मिलती है मेरे बच्चों एक ही सीख मिलती है कि कभी भी अगर वर्ड आई पिघलाकर या मेरे बच्चों वर्ड आई गलाकर उस केस में वॉल्यूम हमने निकाल देना है जो जो स्ट्रक्चर हमें आकृतियां दे रखी होंगी उन दोनों का वॉल्यूम निकाल देंगे बच्चों राम राम योगेश हाँ बिल्कुल भाई करेक्शन होगी बच्चों उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है दो से डिवाइड नहीं किया था उसको दो से डिवाइड कर दिया चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलिए बहुत अच्छे भाई पैंतालीस हजार चार सौ रुपए की राशि पर बच्चों पंद्रह परसेंट की वार्षिक दर के हिसाब से दो सही दो बटा पांच साल के अंत में चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा बच्चों जबकि ब्याज की जो दर है ना वो एनुअली काउंट की जाती है वार्षिक ब्याज की दर मेरे बच्चों है वार्षिक ब्याज की दर है भाई देखियो सबसे पहली बात तो पंद्रह परसेंट को अगर मैं सोल्व करूंगा ना बच्चों पंद्रह परसेंट को तो मैं पूरा क्वेश्चन तैयार करके दे देता हूँ मैं ठीक है तुम लोग इसको सोल्व कर लेना फिर येगा पंद्रह बटे सौ यानी कि तीन बटा बीस तीन बटा बीस तो मेरे बच्चों तीन बटा बीस का मतलब क्या हुआ तीन बटा बीस का मतलब है कि एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल दूसरी तरफ लिखेंगे अमाउंट यहाँ आ गया बीस रुपये और तीन अगर ब्याज मिलता है बच्चों तो मुझे बीस के बदले में कितने मिल जाएंगे तेईस रुपए मिलेंगे बच्चों पहला साल कंप्लीट है और दूसरा साल भी कंप्लीट है बट तीसरा साल कंप्लीट नहीं है बच्चों तीसरा कंप्लीट क्यों नहीं है क्योंकि वो देखा दो बटा पांच साल देखिए पूरा साल नहीं है पूरे साल का मिलता है तीन बटा बीस तो दो बटे पांच है तो इसको दो बटे पांच से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों बस दस यानी तीन बटे पचास तीन बटे 50 यानी कि तीसरे साल जो हमें प्रोग्राम फिट होगा हमारा वो होगा मेरे बच्चों कितना 50 से बढ़कर कितने मिलेगा 53 मिलेगा भाई बस यही हमारा उत्तर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देना इसकी बच्चों कितना आएगा 20 यानी कि 2000 और इसकी मल्टीप्लाई कर देना बच्चों क्या आएगा देख लेना 169 अपॉन मल्टीप्लाई म पाँच नहीं, पैंतालीस चार चौरासी हो गया बच्चों ठीक है सात पाँच नौ आठ कितना बन गया बच्चों ये देख लेना भाई इसको कैलकुलेट कर लेना कितना बनेगा देख लेना बच्चों ठीक है भाई सोल्व कर दो इसकी वैल्यू जो दे रखी है बच्चों दो हजार की वैल्यू जो दी हुई है ना वो किसके बराबर दी हुई है वो दी हुई है पैंतालीस हजार चार सौ के बराबर यानी दो हजार की जो वैल्यू होगी ना बच्चों वो होगी पैंतालीस चार सौ के बराबर पैंतालीस चार सौ के बराबर आगे तुम लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को पूरा स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर दिया बच्चों ये इस टाइप से देखो मेन तुम्हारे लिए काम की बातें क्या थी यहाँ से काम की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी थी बच्चों ये पूरे क्वेश्चन में ना सिर्फ इसको छोड़ो तुम लोग कैलकुलेशन तो हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं ये बात समझने की थी बच्चों ये क्या आपको बात समझ में आई है या नहीं आई बस ये वाला प्रोग्राम बता दो मुझे समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को भाई आ गया भाई समझ में ओके है सर जी सब बहुत बढ़िया भाई शब्बा बहुत बढ़िया बच्चों चलिए देखिए

ठीक है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी ये मिलेगा इस बार हमें तीन यानी पचास से तिरपन बच्चों पचास से तिरपन अगर ये जो गुणा करोगे प्रिंसिपल आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई हमारी अमाउंट होगी दोनों का डिफरेंस कर दोगे बच्चों वो आ जाएगा ब्याज दोनों का डिफरेंस आ जाएगा प्यारे बच्चों ब्याज हम्म बहुत बढ़िया हाँ कैलकुलेशन बच्चों एक आध क्वेश्चन में आ जाती है ठीक है ये कोई घबराने की बात नहीं है कैलकुलेशन इतनी कैसे आ गई एक आध क्वेश्चन बच्चों ऐसा मिलता है हंड्रेड परसेंट मिलेगा और तुम देख लेना पंद्रह बीस क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा आता ही कैलकुलेटिव होता है ठीक है? बच्चों आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक परीक्षा में बच्चों गणित में छियासठ परसेंट और इंग्लिश में सत्तर परसेंट स्टूडेंट क्या होते हैं बच्चों पास हो जाते हैं भाई सिक्सटी सिक्स परसेंट मैथेमेटिक्स में पास हो गए सेवेंटी परसेंट इंग्लिश में पास हो गए और बीस परसेंट बच्चों दोनों में पास हुए भाई देखिए वैन डायग्राम का क्वेश्चन है समझ में तो आ गया होगा आपको पता है यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं इंग्लिश का प्रोग्राम यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों मैथ्स का प्रोग्राम ठीक है यानी मैथमेटिक्स में कितने हैं सिक्सटी सिक्स परसेंट इंग्लिश में कितने बच्चों सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट और जो बोथ वाली कंडीशन है भाई बोथ वाले जो बच्चे हैं मेरे बच्चों वो कितने हैं टोटल बीस परसेंट वो कितने हैं मेरे भाई बीस परसेंट बोथ वाले कितने हैं बीस परसेंट अब देखिए आगे अगर मैं क्वेश्चन को बिल्कुल अलग अलग कर देता हूँ बच्चों मुझे एक बात बताइए ओनली इंग्लिश में कितने हुए पास बच्चों ओनली इंग्लिश में कितने पास हुए 70 सेवेंटी में से ये बीस माइनस कर दो यानी कि इंग्लिश में केवल पचास बच्चे पास हुए हैं भाई इसकी अगर बात करूँ मेरे बच्चों में मैथ्स की बात करूँ मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल अगर तुम पास ही देखना चाहते हो ना चो तो, तो टोटल क्या कर दो देखो तुम तो लोग बीस परसेंट दोनों विषयों में फेल हुए हैं मेरे भाई ठीक है फेल हुए यहाँ पे फिर से देखो यहाँ पे कंडीशन है पास की यहाँ पे कंडीशन फेल की अब मुझे एक बात बताइए अगर सिक्सटी सिक्स परसेंट बच्चे पास हुए तो फेल कितने हो गए चौंतीस परसेंट फेल कितने हुए चौंतीस परसेंट फेल कितने हो गए चौंतीस परसेंट अब यहाँ पे आ जाओ अगर सत्तर परसेंट बच्चे पास हुए हैं तो फेल कितने हुए तीस परसेंट 30 और दोनों जो ओवरऑल वो 20 ये बनेगा थोड़ा सा क्वेश्चन फिरा दिया गणित में छियाठ परसेंट पास हुए हैं और इंग्लिश में बच्चों सत्तर परसेंट पास हुए हैं और बीस परसेंट दोनों में पास नहीं उसने बोला कि फेल हुए हैं भाई तो जो बोथ वाली कंडीशन दे रखी है बच्चों फेल वाली सिंगल वैल्यू भी हमें फेल वाले ही चाहिए जो कंडीशन बोथ की होगी मेरे बच्चों वही कंडीशन हमारे पास सिंगल की होनी चाहिए अब मैं कहता हूं कि अगर मैथमेटिक्स में छासठ परसेंट बच्चे पास हुए तो मेरे बच्चों फेल कितने होंगे थर्टी फोर परसेंट इंग्लिश में अगर सत्तर परसेंट पास हुए तो फेल कितने होंगे बच्चों तीस परसेंट और दोनों में फेल कितने हैं बीस परसेंट तो ये डायग्राम हमारा बन जाएगा भैया इस प्रकार से करेंगे बच्चों ये कितना गया तीस परसेंट यह चौतीस परसेंट यानी कि ये इंग्लिश से बच्चों

छप्पन किसी बच्चे का उत्तर आएगा अभी तक किसी का भी उत्तर नहीं आया भाई एक भी बच्चे का नहीं आया छप्पन परसेंट की वैल्यू किसके बराबर गई तीन सौ पचास के बराबर एक परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई और मल्टीप्लाई में मैं सौ पूछा गया था टोटल टोटल तो सौ ही बैठे थे ना बच्चों सातों अठे छप्पन और सात से कट गया सात पन्जे पैंतीस पचास चार दूनी आठ चार से कैंसिल पच्चीस पे 625 इस क्वेश्चन का मेरे बच्चों सही उत्तर आ जाएगा भाई 625 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मेरे भाई 625 स्टूडेंट टोटल बैठे थे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे बच्चों बहुत गजब 20 परसेंट फेल है सर जो घुमन है हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन बच्चों हाँ कर लोगे इस क्वेश्चन को भाई तुम्हारे भी काम का टाइम हो गया दिख गया मुझे डन सर नहीं आ पाऊंगा मैं अच्छा चलो कोई नहीं क्वेश्चन करते हैं बच्चों चलिए चार पॉइंट आठ एक्स और बच्चों आठ पॉइंट पाँच ये समानुपात में है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी तो हमें पता है बच्चों बाहरले बहरलों में मल्टीप्लाई कर दो अंदर अंदर बढ़ा मल्टीप्लाई कर दो एक्स मल्टीप्लाई में छः इज इक्वल टू बच्चों चार पॉइंट आठ और मल्टीप्लाई में आठ पॉइंट पाँच इसको छः को इधर लेके आ जाओ बच्चों इस छः को बटे में लिया हो यहाँ ले आओ मेरे बच्चों छः को छः आठ जीरो पॉइंट आठ मल्टीप्लाई कर दो आठ पंजे चालीस चार चौंसठ और चार अड़सठ यानी कि दो के बाद डेसिमल है बच्चों सिक्स पॉइंट एट यानी इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो सिक्स पॉइंट एट सिक्स पॉइंट एट हमारा आंसर होगा बच्चों ठीक तो भाई अपने सेशन को आज यहीं समाप्त करते हैं बच्चों काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बच्चों आज एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन का लिंक किया है और अभी आपके जो नेक्स्ट क्लास होगी मेरे बच्चों वो होगी साढ़े सात बजे भाई ठीक है साढ़े सात बजे अभी कितना टाइम होगा छः बज गए तो एक डेढ़ घंटा है अपना फटाफट से काम खत्म करो और उसके बाद हरियाणा जी की क्लास होगी संदीप सर आपकी क्लास रहेंगे बच्चों इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं बच्चों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा हुआ सेशन कोशिश करा करो लाइव देखने की बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पता है मुझे भी भाई काम चल रहा है अभी खेतों में भी काम चल रहा है कपास वगैरह का सीजन जोरों पर है बच्चों करके काम भी हो जाते हैं बट फिर भी कोशिश क्या करो लाइव जितना ज्यादा आस उतने आया करो बच्चों ठीक है मिलते हैं मंडे को फिर एक बेहतरीन सेशन में बच्चों और साढ़े सात बजे जीके के क्लास देखना ना भूलें बच्चों सारे का सारे काम धंधा करके अपना आ जाइए जय हिंद मेरे बच्चों लव यू आप सभी को